पिछले 2-3 दिन मेरे भी काफी हेक्टिक हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आज खत्म हो जाएगा। कलर थ्योरी इज वॉट आई लाइक द मोस्ट। चलो देखते हैं उसको। कलर थ्योरी इज अ टॉपिक जो मैंने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया है। मेरे सीनियर थे, ही इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट, ही यूज टू टेक द क्लासेस बट ड्यू टू कोविड सो द लास्ट क्लास आई टुक फॉर द कलर थ्योरी। मानसी, आर्यन, प्रसाद, टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट क्लास। वहां पर हम यही डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्या गूगल फॉर्म्स के थ्रू होगा। आई विल गिव यू द लिंक एंड द पासवर्ड और आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। यू विल गेट 48 आवर्स, मतलब आज 30th है, 31st भी रहेगा और 1st of June। 1st of June के बाद कोई टेस्ट नहीं होगा। मतलब इफ यू फॉरगेट टू अटेम्प्ट द टेस्ट देन इट्स योर चांस गॉन। फिर इट इज गोइंग टू बी ऑन ट्यूजडे और आपके मोस्ट प्रोबली अगले संडे तक, मंडे तक कमिंग, मतलब जो अगर हम मंडे तक रखेंगे तो विदिन 7 डेज आपको उसका आंसर की, आपका जो रेस्पॉन्स की है वो मिल जाएगी कि आपके नंबर कितने हैं। अब वहाँ पर लड़ने मत बैठ जाना है कि हाँ 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है। इट इज लाइक अ मॉक टेस्ट। तो आप मेरे से बात कर सकते हो बट वी डोंट हैव एनी लग्जरी टू आस्क एनी थिंग फॉर दिस COA, ठीक है, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ डिजाइन। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं बट ऑल दो वी ट्राइड कि ये सब चीजें ना हो। तो आपका टेस्ट एंड वन मोर थिंग, मैं आपको फ्री बताऊंगा इन द सेकंड क्लास व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द फुल मॉक टेस्ट। वन थिंग यू शुड बी केयर ऑफ, लाइक यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर मेल आईडी। अगर मेल आईडी आपने गलत डाली है आपका आंसर की नहीं मिलेगी एंड वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन। याद रखना आंसर की आपको उसी मेल पर आएगी। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में GAIL M मिस कर जाते हैं, कभी GIML कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, अपने मेल आई डी गलत डाली हुई है, दैट्स इट। सो जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे प्लीज मेक श्योर कि आंसर की जो आपकी मेल आई डी है इट हैज टू बी प्रॉपर, सही होनी चाहिए, इट हैज टू बी करेक्ट। क्योंकि ऑप्शन होता नहीं है हमारे पास। फिर साधुओं को असाइनमेंट मिलेगा, एक असाइनमेंट के अंदर भी गूगल फॉर्म के थ्रू ही है। दे आर गोइंग टू 50 क्वेश्चंस, इनको आप अटेम्प्ट करेंगे उसका आंसर भी आपको विदिन 7 डेज मिल जाएगा। चलो नाउ वी कैन स्टार्ट, इट इज ऑलरेडी 10 पेंसिल निकाल लेना। सो टुडे डिस्कशन गोइंग टू बी ऑन दीज टॉपिक्स। कलर्स, साइंस ऑफ कलर्स, कलर थ्योरी, वार्म कलर, कोल्ड टर्मोलॉजीज, कलर स्कीम, कलर साइकोलॉजी, कलर इफेक्ट, कलर इल्यूजंस, ठीक है। मे विल ट्राई कि यहाँ तक कवर हो जाए, इतना ही काफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट ईयर कलर थ्योरी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देर आर सो मेनी क्वेश्चन आस्क ऑन बेस्ड ऑफ द कलर थ्योरी। दिस टाइम दे डू नॉट आस्क टू मच क्वेश्चन बट यू नेवर नो कि सच पूछ सकते हैं फिर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट कलर इज क्रिएटेड ओनली व्हेन अवर ब्रेन ट्राइज टू मेक सेंस फ्रॉम द लाइट सिग्नल।
सो कलर जो होते हैं नॉर्मली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करते हैं इन रियलिटी. यू विल नॉट फाइंड कि यहाँ पर येलो कलर घूम रहा है और यहाँ पर रेड कलर है. इट इज डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. सो कलर किस तरीके से आते हैं, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द कलर. सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, यहां पर सन है एंड इज सेंडिंग द रेस, इट इज सेंडिंग द सनलाइट, और ये सनलाइट जो होती है रिफ्लेक्ट कर जाती है एंड इट रिचेज टू अवर रेटिना अवर आईज, और आईज जो होती है दे सेंड अ सिग्नल टू द माइंड, और माइंड अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करके इट विल गिव यू द कलर्स. क्लियर है? इन अदर वर्ड इट इज ऑल यू हैव, इट इज दैट इज एवरीथिंग इज इन योर हेड. विदाउट दैट अवर वर्ल्ड वी इज अ मोनोक्रोमेटिक, लाइक देर विल नो कलर प्लेस बाथ थिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बट वेरी रीड इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, नथिंग फॉर फन अबाउट दैट अनलेस यू आर इन टू फिजिक्स. सो अगर आप कलर नहीं होता तो आपकी शायद लाइफ कुछ इस तरह से दिखाई देती. साइंस ऑफ द कलर. सो कलर इज प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट. ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी तो यू वॉन्ट फाइंड एनी कलर. फॉर एग्जाम्पल इन द नाइट, इन द डार्क नाइट वी डोंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कलर्स, कुछ दिखाई नहीं देता है. सो इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट. अवर आई सीज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लाइक आपकी जो वेव लेंस होती हैं वो यहाँ से 10^-16 से लेकर 10^8 तक जाती है. इट इज होल एरिया इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. बट अवर आईज कैन ओनली सी अ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम. बहुत छोटा सा होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ ये जो वेवलेंथ है 400-700 वेवलेंथ की हुई देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ आपने देखा होगा नाइट विजन कैमराज आते हैं, सो दे कैन इजिली सी वॉट इज हैपनिंग इन द नाइट. कैमराज आते हैं, आर्मी वाले यूज करते हैं, इवन आज की डेट के अंदर तो सीसीटीवी कैमराज इज ऑल्सो हैविंग द नाइट विजन कैमराज. वो देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल, आपने शायद एक रिमोट देखा होगा, टेलीविजन का रिमोट देखा होगा लाइक दिस, तो शायद आपको ये चल गया होगा. सो जब इसमें जो इट्स अ रेडियो सिग्नल्स, आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ से सिग्नल्स आते हैं. अगर आप क्लिक करेंगे शायद इसमें दिखाई नहीं देगा आपको, बट इफ यू हैव अ सेल फोन उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करो तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो कैमरा है इट इज एबल टू रिकॉर्ड अदर सिग्नल एज वेल लाइट. ठीक है, सो एज अ ह्यूमन वी हैव वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ द वेवलेंथ विच वी कैन सी. उससे पहले का उसके आगे का हमें दिखाई नहीं देता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट एबल टू गेट द गामा रेज, एक्स रेज एंड द रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड. वी कैन ओनली सी द वेवलेंथ इफ इट इज लाइज फ्रॉम द 400-700 वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं. एक लेंथ किसकी, वेव की. आपको पता है वेव कुछ इस तरह से चलती है. सो अगर आप यहां से लेते हैं सो इट इज गोइंग टू बी, मतलब जो ये जो लाइन है दिस लाइन नाउ दिस पार्ट दैट्स कॉल्ड द वेवलेंथ. दिस इज अ वन वेव क्योंकि यहां से रिपीट हो रही है. अगर आप यहां से लेते हैं तो यहां तक चली जाएगी. सिंपल, जैसे साइन वेव होता है साइन कोसाइन, सो दैट्स कॉल्ड द वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ का ये भी न्यूज में इसलिए रहता है, इन टर्म ऑफ सुनामीज आती रहती हैं. सो जो आपकी वेवलेंथ होती है इन द ओशियंस, जो पानी आता है ना, आप समुद्र में जाते हो, गोवा पे जाते हैं, तो जो नॉर्मल जो वेव्स होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है 100 किलोमीटर पर आर, और जो सुनामीज होती हैं उनकी होती है मोर देन 150 किलोमीटर पर आर. इसलिए तेजी से आती हैं वे. ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ होती है इतनी ज़्यादा आती है. एंड व्हेन दे हिट ऑन द कोस्टल रीजन तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ऊपर तक चली जाती हैं, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर तक चली जाती है. ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेवलेंथ. सो वेवलेंथ का मतलब क्या है, ये कितना हुआ 400 हुआ, और अगर मैं बात करूं 700 की तो इट मस्ट बी लाइक दिस. तो जो हमारे स्पेक्ट्रम होते हैं इतने 400 से लेके 400 होता वॉयलेट का एंड 700 गोज फॉर द रेड. इनके स्पेक्ट्रम को भी देख पाते हैं, कुछ और एनिमल्स हैं जो शायद इसके ऊपर नीचे भी देख पाते हैं. ठीक है, इट्स ऑल्सो गोज फॉर दी योर हेयरिंग कैपेसिटी. एक ह्यूमन कौन कौन सी चीज़ों को सुन पाता है, ठीक है, जो डीबी में होती है. जैसे जो आपकी बैट होती है चमगादड़ बोलते हैं, वो हाई फ्रिक्वेंसी में सुन पाती है. सो सेम थिंग गोज फॉर दी लाइट. सो वाइट लाइट आपने देखा होगा, इफ यू आर हैविंग दी लाइक स्केल आते थे हमारे टाइम में, इट इज हैविंग द ट्रायंगुलर स्पेस. सो हम लोग सनलाइट में देखा करते थे. इफ यू आर हैविंग द प्रिज्म, सो व्हेन लाइट कैन डिवाइड इनटू द कंपोनेंट पार्ट बाय पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म. सो वन लाइट इज कमिंग और आप प्रिज्म से अलाउड करते हैं, सो इट विल
डिवाइड द डिफरेंट वेवलेंथ, आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, द लाइट इज सेपरेटेड बाय द वेवलेंथ एंड ए स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। जितने भी सिग्नल्स होते हैं डेंजरस सिग्नल्स होते हैं दे नॉर्मली वर्क ऑन द रेड, व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ, काफी दूर से आपको दिख जाते हैं। सर आइजक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द फिनोमेना इन द 7th सेंचुरी एंड ही नेम्ड कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम, उन्होंने ये काम किया। यस इट इज कलर थ्योरी। कलर थ्योरी की बात करें सो कलर थ्योरी इज बोथ आर्ट एंड साइंस ऑफ यूजिंग कलर। तो जैसा आर्किटेक्चर है इट इज टेक्निकल एज आर्ट सब्जेक्ट, सो सेम थिंग गोज फॉर द कलर थ्योरी, इट इज ऑल्सो एन आर्ट एंड द साइंस ऑफ यूजिंग कलर। साइंस क्या है, देखो आर्ट के बारे में तो आप जानते हैं, विच कलर यू हैव टू पुट ऑन इट, अब यू मेड सम कंपोजिशन एंड विच कलर यू आर यूजिंग, इट्स कॉल्ड एन आर्ट। साइंस भी जरूरी है दैट विच कलर इज गोइंग टू बी देयर, फॉर एग्जाम्पल द डेंजरस सिग्नल्स आर यूजिंग द रेड कलर, तो इट इज अ साइंस। फोटोग्राफी क्लिक करते हैं, वॉट यू मेड फ्रॉम फोटोग्राफी इट्स योर आर्ट, बट हाउ यू यूज दिस लाइट लाइक अपर्चर स्पीड इट इज कम अंडर द साइंस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आप विंटर्स में, इन विंटर्स वी नॉर्मली हैव डार्क कलर क्लोथ्स, और इन समर्स वी आर हैविंग नॉर्मली फेयर कलर्स लाइक वाइट येलो ग्रे टाइप कलर्स वी यूज, सो वॉट इज इट, इट इज अ साइंस ऑफ यूजिंग द कलर्स। इन द समर्स इफ यू आर यूजिंग डार्क कलर्स इट इज गोइंग टू वेरी वार्म फॉर यू। ठीक है, सो इट एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन परसीव कलर एंड विजुअल इफेक्ट ऑफ द हाउ कलर मिक्सिंग मैच कंट्रास्ट विद ईच अदर एंड द विजुअल इम्पैक्ट ऑफ द कलर कंबाइंस। सो टूडे डिस्कशन इज गोइंग टू बी अबाउट द टाइप ऑफ द कलर्स एंड कलर वी, वार्म एंड कोल्ड कलर क्या होते हैं, टर्मोलॉजीज, कलर हार्मनी, साइकोलॉजी एंड सम इफेक्ट एंड डेफिनेशंस। ठीक है, प्राइमरी कलर्स का मतलब क्या होता है, प्राइमरी का मतलब बहुत बेसिक, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप इकोनॉमी के अंदर देखते हैं सो अवर इकोनॉमी कैन बी डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, आपने साथ सुना होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज, वन सेकेंडरी, थर्ड सर्विसेज और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब होता है बहुत बेसिक चीज लाइक एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, माइनिंग, फिशिंग, तो बहुत प्राइमरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, चाइना इज द हब ऑफ द सेकेंडरी सर्विसेज, सेकेंडरी एंड फॉर द टर्शरी दिस इज कॉल्ड द सर्विसेज, व्हाट आई एम गिविंग टू यू इट इज अ टर्शरी, इट्स अ टर्शरी सेक्टर, लाइक आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विस लाइक द एजुकेशन। सो इंडिया इज द हब ऑफ द टर्शरी सेक्टर। सो प्राइमरी का मतलब होता है इट इज वेरी बेसिक। इन कलर थ्योरी द प्राइमरी कलर आर रेड येलो ब्लू, आपको 12 कलर याद करने हैं, द कलर विल हैज टू बी बाय हार्ट बाय यू, आपको सिंपल एक मिनट लगनी चाहिए बनाने में। ठीक है, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। सो द प्राइमरी कलर रेड येलो ब्लू आर द ओनली कलर्स दैट कैन नॉट बी मिक्स्ड बाय मेड बाय मिक्सिंग टू अदर डिफरेंट कलर्स, मतलब यू कैन मेक डिफरेंट कलर बाय मिक्सिंग येलो और ब्लू और येलो और रेड और रेड और ब्लू, यू कैन मेक, बट यू कैन नॉट मेक बाय मिक्सिंग टू कलर एंड यू कैन मेक द येलो, येलो कैन नॉट बी मेड बाय द मिक्सिंग टू कलर्स, दैट्स मीनिंग कि आप येलो ये प्राइमरी कलर से उनसे और कलर तो बना सकते हैं बट बाकी कलर से यू कैन नॉट कम टू द प्राइमरी कलर्स। रिमेंबर ब्लू रेड एंड येलो। सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, सो यू गॉट टू नो दैट येलो ब्लू एंड रेड आर द प्राइमरी कलर्स, इफ यू स्टार्ट मिक्सिंग टू कलर्स एट अ टाइम देन यू विल गेट द थर्ड कलर, और जो दूसरा कलर होता है उसी को बोला जाता है सेकेंडरी, एंड दिस थिंग ग्रीन इज सेकेंडरी कलर, ऑरेंज इज सेकेंडरी कलर एंड द वायलेट इज अ सेकेंडरी कलर। अंडरस्टूड, सो इफ आई मेक अ व्हील फॉर यू, सॉरी, सो दिस इज येलो, दिस इज ब्लू एंड दिस इज रेड,
दीज आर द प्राइमरी कलर्स. इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू विल गेट ग्रीन. इफ यू मिक्स येलो एंड रेड यू विल गेट ऑरेंज. और यू मिक्स ब्लू एंड रेड वायलेट. क्लियर. सो दिस कलर एंड दिस कलर इज प्राइमरी एंड दिस कलर ऑरेंज ग्रीन एंड वायलेट आर द सेकेंडरी कलर्स. वेरी सिंपल. सेकेंडरी कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स. आपको छह कलर याद हो गया अभी तक. नाउ टर्शियरी कलर्स. अभी तक येलो ब्लू एंड रेड जस्ट अ सेकेंड यहां पर हम लोगों ने देखा. देन वी कम टू द ग्रीन कलर बाय मिक्सिंग ब्लू एंड येलो. ब्लू एंड रेड वायलेट एंड रेड एंड येलो ऑरेंज. सो वी गॉट टू नो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कलर्स. टर्शियरी कलर्स आर लाइक बाय मिक्सिंग वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी. तो उसको याद करने का बहुत सिंपल कलर है. जो कलर आप मिक्स कर रहे हो जस्ट नेम दैट. येलो एंड ऑरेंज यू मिक्स येलो एंड ऑरेंज सो द कलर विल बी येलो ऑरेंज. यू मिक्स ऑरेंज एंड रेड सो ऑरेंज इज सेकेंडरी कलर एंड रेड इज अ प्राइमरी कलर. सो रेड एंड ऑरेंज द फर्स्ट नेम विल बी द प्राइमरी सेकेंड नेम विल बी द सेकेंडरी. फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट एंड रेड. सो रेड वॉयलेट वॉयलेट एंड ब्लू. ब्लू वॉयलेट बिकॉज ब्लू इज अ प्राइमरी एंड द वॉयलेट इज अ सेकेंडरी कलर. सो यू मिक्स एंड यू कम टू द टर्शियरी कलर. सो ब्लू नाउ एंड ब्लू एंड ग्रीन. सो ब्लू ग्रीन अगेन ग्रीन एंड येलो. येलो ग्रीन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द 12 कलर्स. दो चीजें आती है कलर सिस्टम के अंदर. देर आर कलर सिस्टम. देर आर टू टाइप ऑफ द कलर सिस्टम और द कलर मॉडल दैट आर कॉमनली यूज फॉर द कलर क्रिएशन. सो आपने एक चीज नोटिस की होगी शायद. एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि इफ वाइट कलर कैन बी डिवाइडेड इन 7 कलर्स. होता है नॉर्मली जो जो आपकी विजिबल लाइट आती है उसको यू कैन डिवाइड इन 7 कलर्स. देन व्हाई कांट वी हैव द 7 कलर मिक्स एंड कैन गेट द वाइट कलर. ऐसा पॉसिबल है. यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन वो बेसिक फंक्शन भूल जाते हैं कि इट इज ओनली पॉसिबल इन आर जी बी कलर व्हील नॉट सी एम वाई के. और दैट इट इज पॉसिबल इन द एडिटिव कलर स्कीम नॉट इन द सब्सट्रैक्टिव कलर स्कीम. देखो क्लास में काफी प्रॉब्लम हुई बच्चों को समझने के लिए. आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू. ठीक है फोकस रखो स्क्रीन पर. आपके घर के सामने एक वॉल है वेरी और सिटी. द कलर सपोज द कलर ऑफ योर वॉल इज रेड. मानते हैं आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है. फंक्शन कैसा कर रहा है. हाउ इट इज फंक्शन. दिस इज सन. सन से रेज आ रही हैं. सन इज सेंडिंग द विजुअल स्पेक्ट्रम इन विच द 7 कलर्स आर देयर. द वॉल इज एब्जॉर्बिंग 6 कलर्स एंड ओनली द रेड कलर इज रिफ्लेक्टिंग बैक. रेड कलर उसने वापस कर दिया है और आप यहां पर खड़े हुए हैं. इट इज योर आई एंड इट इज सेंडिंग द सिग्नल टू योर माइंड दैट द कलर ऑफ द वॉल इज रेड कलर. क्या हुआ. दिस वॉल सब्ट्रैक्ट द रेड कलर एंड अदर कलर्स इज एब्सॉर्ब. दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड सब्सट्रैक्टिव कलर स्पेक्ट्रम. इसीलिए लोग ये बोलते हैं द कलर ऑफ दिस मग व्हाट वी परसीव इट इज अ रेड. नो इट इज नॉट रेड बिकॉज लाल रंग तो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है. इसका कलर लाल को छोड़कर सब कुछ हो सकता है. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सब्सट्रैक्टिव कलर सिस्टम. अंडरस्टूड. इस वॉल का कलर
सारे कलर हैं बट लाल रंग नहीं है, क्यों? क्योंकि रेड कलर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय दिस वॉल, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, इट इज सब्ट्रैक्ट द रेड कलर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, दैट्स कॉल्ड द सब्स्ट्रैक्टिव कलर स्पेक्ट्रम। क्लियर? सो देर आर टू टाइप द कलर सिस्टम और द कलर मॉडल दैट आर कॉमनली यूज फॉर द कलर क्रिएशन व्हेन प्रोड्यूसिंग फिजिकल कलर एज अ पेंट एज सब्स्ट्रक्टिव मीडियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन गिविंग द कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज डेफिनेशंस, और ये होना भी नहीं चाहिए। अभी आप क्या कर रहे होगा, आई नो कि यू आर गोइंग टू टेक अ स्क्रीनशॉट्स ऑन इट, लेकिन बिलीव मी इट्स माई पर्सनल सजेशन दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। द मेन फंक्शन शुड बी टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ऐसे है आपको मिलना मुश्किल है, बुक्स के अंदर आपको समझा नहीं पाएंगे लोग, ठीक है? What happened? Don't global committee do for me. Faran, कहाँ किसको भेज रहे हो ये Zoom ID? Mr. Faran, आपने ID किसको भेजी है? यार अगर आप इस तरह काम करोगे तो फिर I have no idea. Can you please explain it? आपने ग्रुप में चेक किया होगा आर्क जेनेसिस 3D कोर्स जो है, आई विल रिपीट इट, फर्स्ट यू हैव चेक इट लाइक द आर्क जेनेसिस ग्रुप, मिस्टर फरहन जो हैं ही सेंड ही फॉरवर्डेड दिस आईडी टू समवेयर एल्स। आपको पता है जो मैं ये क्लास ले रहा हूँ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस क्लास, और जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इट इज नॉट इजिली अवेलेबल। और अगर आप इस तरह काम करते हो या फिर आप किसी और आईडी किसी फ्रेंड को शेयर करते हो क्या होगा? मिस्टर फरहान, आई एम सॉरी फॉर यू बट for an any explanation. चलो वापस आते हैं। पता है इनसे क्या होता है, एक्चुअली आपका मोटिवेशन डाउन होता है इन चीजों से। चलो खैर वापस आते हैं, सब टाइम वेस्ट नहीं करना है इन चीजों के ऊपर। सो जब मैं क्लासेस लेता हूं द यूट्यूब आई नेवर डिस्क्रिमिनेट। अगर मैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूं द सेम थिंग आई हैव डिस्कस विद माय स्टूडेंट्स जो उन्होंने पेड कोर्स लिया है, बट व्हेन आई स्टार्टिंग दिस कोर्स आई ऑल्सो डिस्कस द सेम थिंग विद माई स्टूडेंट्स कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड ऑल द स्टूडेंट दे एग्री, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट जो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूँ। लाइक वो मुझे फोन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन डायरेक्टली, लेकिन वो ऐसी नहीं होती। खैर चलो आते हैं। सो सब्स्ट्रक्टिव कलर सिस्टम क्या होता है? व्हेन यू सी कलर इन फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो आपको समझने की ध्यान रखो सब्स्ट्रक्टिव कलर सिस्टम क्या होता है एंड एडिटिव कलर सिस्टम। सब्स्ट्रक्टिव कलर सिस्टम, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दिस इज अ पोल, दिस इज अ पोल, और दिस इज कलर इज इट्स ब्लू। कैसे काम हो रहा है? सन इज देयर, इट इज सेंडिंग द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, एंड दिस पोल इज एब्जॉर्बिंग ऑल द कलर्स, ओनली द ब्लू कलर इज रिफ्लेक्टेड बैक, इट सबट्रैक्ट द ब्लू कलर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम और ब्लू कलर आपके पास आ जाएगा। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सब्स्ट्रक्टिव कलर सिस्टम। ठीक है, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में जाएगा। व्हेन वी सी कलर इन फिजिकल ऑब्जेक्ट, व्हेन वी सी कलर इन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग रिफ्लेक्टिव लाइट। आप जो लाइफ में कुछ भी देखते हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे सेलफोन हो, चाहे पेन पेंसिल एक दूसरा हो, सो दिस आर ऑल इज सब्स्ट्रक्टिव कलर सिस्टम। व्हेन वी सी कलर इन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग रिफ्लेक्टिव लाइट,
वेन वी सी रेड इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट हैज बीन एब्जॉर्ब ओनली एंड ओनली द रेड इज रिफ्लेक्टेड. दिस इज सब्सट्रैक्टिव सिस्टम बिकॉज टू प्रोड्यूस कलर वी आर रिमूविंग ऑल द वेवलेंथ ऑफ द लाइट हुज कलर वी डोंट वॉन्ट टू सी इट. क्लियर? जो आप पेंटिंग करते हो, स्केचिंग करते हो, इट इज ऑल वर्क ऑन दिस कलर सब्सट्रैक्टिव कलर सिस्टम. सब्सट्रैक्टिव कलर स्टार्ट विद द व्हाइट एंड कंटिन्यू टू एड कलर अंटिल द रिजल्ट इज ब्लैक. अगर आप सारे कलर मिक्स कर दोगे सो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होगा इट इज गोइंग टू बी ब्लैक. सो इन स्टार्टिंग वी टेक सी एम वाई के मीन जो प्रिंटिंग होती है आपकी, जो आपको नोट्स मिले होंगे या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर देखते हो, सो आपने एक नोटिस किया होगा इन द न्यूज़पेपर लास्ट में जाकर बिल्कुल नीचे हैं दो तीन डॉट्स होते हैं जिसके अंदर ये सियान कलर, मेजेंडा, येलो और ब्लैक कलर की इंक बनी होती है. वाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सब्सट्रैक्टिव कलर सिस्टम. ठीक है, सी फॉर सियान, एम फॉर मेजेंडा, वाई फॉर येलो एंड के फॉर ब्लैक. सियान, मेजेंडा, येलो. सो इफ यू वॉन्ट टू हैव द ग्रीन कलर सो यू हैव टू एड येलो एंड सियान, यू विल कम टू द ग्रीन और ब्लू, सियान एंड मेजेंडा. पेपर में जो आपकी प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के ये चार बॉर्डर्स लगती हैं. अगर आपके पास प्रिंटर है सो यू माइट नो दिस थिंग, देर आर फोर डिफरेंट कार्ट्रेज और द फोर डिफरेंट इंक बॉटल्स, सियान, मेजेंडा, येलो. ठीक है, नाउ कम टू द एडिटिव कलर सिस्टम. एडिटिव कलर सिस्टम को ऐसा समझो, दिस इज अ ब्लू कलर स्पॉट. आपके मोबाइल फोन के अंदर ये सब आ रहा होगा, इन द मोबाइल फोन यू आर गेटिंग दिस. कैसा हुआ ये? हाउ दिस ब्लू कलर इज प्रोड्यूस बाय योर लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल फोन स्क्रीन? ऐसा तो नहीं है कि यहां पर सन है, सन इज सेंडिंग द रेस, यहां से रिफ्लेक्ट होकर आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है. नो, यहां से क्या हुआ है कि द पिक्सल्स ऑफ योर मोबाइल फोन और योर लैपटॉप और योर टीवी स्क्रीन, दे आर प्रोड्यूसिंग द कलर्स एंड इट इज प्रोड्यूसिंग ओनली द ब्लू कलर. और ये ब्लू कलर जो है आपकी आईज तक आ रहा है. सो ये क्या कर रहा है? एड कर रहा है. इट इज एडिंग द कलर ऑन द पिक्सल्स एंड सेंडिंग टू योर आईज और आपको ऐसे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है. ये जो सिस्टम होता है दैट्स कॉल्ड द एडिटिव कलर सिस्टम. ये नंबर होते हैं रूपम, लाइक जो आर एक ग्रेड है, लाइक कितने आप ऐड कर रहे हो. फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू ऐड आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू. सो इस तरह से काम करते हैं एलईडी डायोड के ऊपर. यस यू आर राइट, जो आपकी स्क्रीन होती है. सो आर जीरो का मतलब होता है बिल्कुल कुछ नहीं है और आर 255 का मतलब एक्सट्रीम. तो ये इट्स लाइक इंटेंसिटी, कितना कलर आप ऐड कर रहे हो. सो आर के मान लीजिए 100, ग्रीन का मान लीजिए 200 और ब्लू का मान लीजिए 150. सो आप इसको ऐड करेंगे यू विल कम टू एन कलर. ये हर कलर कोडिंग होती है. एडिटिव कलर स्क्रीन इज लाइक आपकी जो लैपटॉप है, या आप कहां पर देख रहे हैं प्रथमेश, यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑन योर लैपटॉप और योर मोबाइल फोन आई सपोज, या आप जहां पर भी देख रहे हैं एक स्क्रीन पर देख रहे हैं. ये कलर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज द पिक्सल्स और जो आपके जो क्रिस्टल्स हैं जो आपके स्क्रीन के हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द कलर. दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग एनी कलर. वो क्या कर रहे हैं? वहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी लैपटॉप स्क्रीन से एंड दे आर सेंडिंग द कलर टू योर आईज. सो दैट्स दे आर एडिंग द कलर. इन द प्रीवियस डिस्कशन इट इज सब्ट्रैक्टिंग द कलर. दैट्स कॉल्ड द एडिटिव कलर सिस्टम. एडिटिव कलर सिस्टम को अगर आप सारे कलर डाल दोगे तो यू विल कम टू द व्हाइट कलर. इफ यू एड आर जी बी विद द सेम इंटेंसिटी द मेन प्रोडक्ट विल बी व्हाइट. अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि लाइक व्हेन वी प्ले होली, होली के अंदर वी हैव डिफरेंट कलर्स लाइक लाल, पीला, हरा, नीला लगाते हैं, बट व्हेन वी आर लाइक वॉशिंग अवर फेस और वी आर टेकिंग बाथ, सो द कलर इज लाइक डार्क. व्हाई इट इज नॉट बिकमिंग द येलो और द व्हाइट? क्यों नहीं होता है? बिकॉज जो ये कलर सिस्टम है, ये दिस वर्क ऑन द सब्ट्रैक्टिव सिस्टम. और आरजीबी जो काम करता है वो काम करता है आपके एडिटिव कलर सिस्टम. So in the additive color system, you will have the white color at the end product. Or in the subtractive, you will have the gray or ultimately the black product at the if you mix all the colors. Clear? I think I made myself very much clear. Any confusion?
इन 8 GB और CAMY की सिस्टम, ये याद रख लेना। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। अब आता है PMS, पेंटोन मैचिंग सिस्टम। बहुत सिंपल है, इसको भी समझना। आप इसको ऐसा समझो कि सपोज यू आर एन आर्किटेक्ट एंड वन क्लाइंट कम टू यू एंड दिस क्लाइंट इज आस्किंग दैट वी वांट टू हैव द ब्लू कलर और समथिंग इन इंटीरियर डिजाइनिंग। आपने काम करा कि ठीक है इंटीरियर डिजाइनिंग का हम लोग ब्लू कलर उसको हम ऐड करेंगे, एंड यू एक्सपेक्टेड दैट योर बजट इज लाइक यू सेड कि ओके 10 लीटर विल बी क्वाइट इनफ फॉर यू, बट ड्यू टू सम टाइम पीरियड और सम एक्स्ट्रा थिंग द वन लाइक यू नीड एक्स्ट्रा 1 लीटर। अब आप दोबारा उसके पास जाओगे, हाउ विल यू टेल दैट पर्सन कि आई नीड दिस स्पेसिफिक कलर? यू कैन नॉट से द लाइट ब्लू और ये सब, बिकॉज इन रियलिटी देर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। सो वहां पर आपको ये सब चीजें, सो एवरी कलर, सो इट इज लाइक द पेंटोन सिस्टम इज हैविंग 1011 स्पॉट कलर एंड कैन नॉट बी सिमुलेटेड विद CMYK, बट इट इज 13 बेस पिगमेंट। सो क्या करते हैं, दे हैव गिवन डिफरेंट पिगमेंट्स अ डिफरेंट नेम और आपको उसका नंबर पता हो, यू कैन इजिली गेट दी। ठीक है, जैसे आपको ये चीज आती है पेंटोन सिस्टम, ये वाला आता है। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एट ऑल, बट द नाटा हैज आस्क, ऑल्दो वी हैव इंट्रोड्यूस इन द वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन अवर नोट्स, ये नोट्स हम लास्ट कंपाइल किए थे, लेकिन तो ये द पेंटोन सिस्टम इट स्टार्ट इन 2002 एंड 2002 लाइक दिस वॉज अ ग्रुप कि उन लोगों को लगा कि देर हैज टू बी स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम। आई सपोज इट इज 2002 और ज्यादा पुराना नहीं है, देख लेना एक बार, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट दिस, जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप पेंटोन। सो देर वॉज एन अ ग्रुप ऑफ द जो लोग होते हैं एंड देर स्टार्टिंग कि वी शुड हैव एन कोडिफाइड कनेक्शन, वी शुड हैव एन कोडिफाइड सिस्टम और द यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर द कलर कोडिंग, सो दे विल कम टू द पेंटोन एंड दे चूज एवरी ईयर और द कलर ऑफ द ईयर। ऐसे आते क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे एंड इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, स्पेसिफिकली जो लोग आप जैसे लोग हो जिनको दे जस्ट हैव कम्प्लीट 12th स्टैंडर्ड, द नाटा वाले पता नहीं क्या करते हैं। देखो किसी को डिफिकल्ट बनाने का मतलब ये नहीं होता, यू स्टार्ट आस्किंग एनीथिंग लाइक बियॉन्ड द सिलेबस, कलर्स इज अ डिफरेंट साइंस। सो चलो खैर, ठीक है, नो कन्फ्यूजन, सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव कलर सिस्टम के अंदर एनी कन्फ्यूजन? चलो, अब आपने देखा होगा वार्म कलर एंड कोल्ड कलर्स। सर, इन पेंटोन मैचिंग सिस्टम देयर वाज रिटन कि 13 बेस पिगमेंट विल बी देयर इंक्लूडिंग 15 इंक्लूडिंग व्हाइट एंड ब्लैक, वी लर्न अबाउट ओनली 12 बेस पिगमेंट, सो वन मोर इज ग्रे, व्हिच कलर इट इज? ग्रे, ग्रे समथिंग। ओके सर, थैंक यू सर। व्हाइट व्यू फर्स्ट, आई विल कम टू ऑन दिस टॉपिक ऑल आफ्टर सम स्लाइड्स। ब्लैक एंड व्हाइट दीज आर नॉट द कलर्स, कलर की जो रियल डेफिनेशन है वी डोंट इंट्रोड्यूस द ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे कलर द टॉप, अभी आएगा वो सब चीजें, डोंट वरी। ठीक है, सो वार्म एंड कोल कलर्स क्या होते हैं? सिंपल, वार्म का मतलब क्या है होता है, जो आपको गर्मी लगे, यू आर फीलिंग द वार्म फीलिंग, दैट्स कॉल्ड द वार्म कलर। एंड कोल कलर जो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठंडा सा लगता है ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर हम देखा जाए बाई कटिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कलर व्हील, वी गेट द वार्म कलर एंड द कूल कलर ऑन आदर साइड्स। वार्म कलर्स एडवांसेस एंड कूल कलर रिसेट्स। तो जो वार्म कलर होते हैं आपको सामने दिखाई देते हैं, दे विल लुकिंग लाइक एंड क्लोजर टू यू, एंड द कूल कलर जो होते हैं वो थोड़े दूर दिखाई देते हैं, अभी डिस्कस करेंगे, अफेक्टिंग द परसेप्शन ऑफ द डेप्थ। क्लियर? इसीलिए जो रेड कलर होता है डेंजरस साइन में या फिर जो होते हैं उसमें दिखाया जाता है। द थ्योरी इज बेस्ड अपॉन दैट द फैक्ट दैट द आई डिस्टिंग्विश व्हेन फोकस ऑन कलर ऑन अ डिफरेंट वेवलेंथ। तो जो हमारी आई होती है, जो परसेप्शन होता है, इट रिएक्ट विद अ डिफरेंट वेवलेंथ। रेड कलर वेव्स हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ देन ब्लू वन, आप जानते हैं कि जो लाल रंग है इट इज हैविंग द हाईएस्ट वेवलेंथ। एन इमेज कंटेनिंग बोथ कूल एंड वार्म कलर वुड डिमोन्स्ट्रेट कंट्रास्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वार्म कूल कंट्रास्ट क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द कलर। सो इसको और तरीके से समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, व्हाट आर द ब्राउन एंड द पिंक आर नॉट अबाउट द कलर। यार कलर तो है ना, सिर्फ तीन कलर, ब्लू और व्हाइट एंड ब्लैक कलर नहीं होते हैं, उसको मानते हैं कलर, बट इन द रियल डेफिनेशन ऑफ द कलर दे डज नॉट, वी डोंट काउंट ब्लैक एंड व्हाइट और उसके जो टोन्स होते हैं। सो नाउ यू सी दिस इज कलर व्हील, मैंने आपको बताया था फॉर द कलर थ्योरी यू शुड रिमेंबर द 12 कलर्स। इफ यू सी द कूल दिस, इफ यू डिवाइड
द कलर विल इन टू द हाफ, सो दिस इज अ कोल्ड कलर एंड दिस अ वार्म कलर. इन सब कलर को देखने के बाद यू विल फीलिंग कि थोड़ा सा वार्मनेस सी आ रही होगी फीलिंग. आप ऐसा समझो कि इफ यू आर लिविंग इन नॉर्दर्न इंडिया और अभी का टाइम है, लाइक इट इज इन मई और जून टाइम पीरियड, एंड आई विल आस्क यू कि डू वन थिंग, स्टार्ट वेयरिंग दिस कलर टी शर्ट एंड गो टू द आउटसाइड. यू विल फील कि पागल हो गया सर, इतनी गर्मी में कैसे जाऊंगा मैं, इट इज क्वाइट वार्म. सो दिस इज कॉल्ड द वार्म कलर एंड दिस इज द कूल कलर्स. इनको देख के लगता है ना कूलिंग सी फीलिंग आती है. जैसे यहाँ पर देखो, वॉट डू यू फील बाई लुकिंग दिस कलर, वॉट इज इट इज वार्म और कूल? फॉरगेट अबाउट द डेफिनेशन, अपने माइंड पर काम करो, ये इज आर्ट एंड साइंस. वॉट यू फील, इट्स अ वार्म और कूल कलर? इट्स अ क्वाइट लाइक इट्स अ वार्म कलर बिकॉज आपको थोड़ी सी वार्मनेस सी फीलिंग आ रही है. यस देविका, रेवती, गुड. और आप इसके नीचे देखते हैं, इट इज लाइक ए फीलिंग लाइक कोल्ड कलर, ठंडा सा फीलिंग आ रही है. अगर आप आइसबर्ग देखते हैं, ओशन देखते हो, यू विल फील कि ठंडा होगा ना, इट्स लाइक कूल. और आप कहीं फायर जलते हुए देखते हो या वोल्केनिज्म देखते हो, सो इट इज लाइक द वार्मनेस यू विल गेट. चलो, वार्म कलर जो होते हैं नॉर्मली तीन कलर को माना जाता है. वार्म कलर कंसिस्ट ऑफ द ऑरेंज, रेड एंड येलो, एंड ऑफ कोर्स विद द डिफरेंट शेड्स ऑफ दिस कलर्स, ऑरेंज, रेड एंड येलो, एंड कंबाइंड विद दिस सिमिलर कलर. सो अगर हम येलो की बात करें, येलो कलर इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन, इट इज अ सोर्स ऑफ द लाइट बिकॉज नॉर्मली सनलाइट इज कमिंग इन द येलो कलर. इट फील लाइक इट इज यूज टू इशू वार्निंग्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द ब्लैक. इट हैज अ चार्म. इट इज द रेंज टू विच द आई इज अ मोस्ट सेंसिटिव इन द स्पेक्ट्रम. जो हमारी आई होती है काफी सेक्टर, इट इज वेरी सेंसिटिव ऑफ दिस कलर. इट स्टिमुलेट द ब्रेन एंड द इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी एज वेल एज परसेप्शन. इट प्रूव्स बेनिफिशियल इन अचीविंग कंसंट्रेशन, फोकसिंग ऑन वर्क एंड रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन. तो आप देखेंगे इन द स्कूल और द कॉलेजेस वी नॉर्मली यूज येलो कलर. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट एंड द एंटरटेनमेंट. दिस इज अ कलर दैट हैज अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस विद अस्थमा एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम. इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट यू रिमेंबर दैट दिस इज वेरी क्रिएटिव कलर एंड इट इज यूज फॉर द कॉलेजेस, स्कूल्स, स्टूडियोज, जहां पर आपको कुछ नया कुछ करना है. इट इज अ कलर दैट इज मोस्ट फेवर्ड बाय द चिल्ड्रन एज 7. द कलर येलो वॉज एसोसिएटेड विद ऑनेस्टी एंड द स्टडी कंडक्टेड विद एलिमेंट्री स्कूल सीनियर क्लासेस स्टूडेंट. अगर हम बात करें रेड कलर के बारे में, रेड इज अ डोमिनेंट कलर, इज अ सिग्नल ऑफ द अलार्मिंग, है ना. आपको अलार्म दिया जाता है अगर आपने गाड़ी आप ड्राइव करते हो तो हजार सिग्नल आता है. सो यू स्टार्टिंग, सो येलो और रेड कलर की जो कॉम्बिनेशन के अंदर लाइट ब्लिंक कलर करती है, सो दैट कि द पर्सन इज कमिंग एंड यू कैन द पर्सन कैन गॉट टू नो कि यहाँ पर कुछ गाड़ी की प्रॉब्लम है, लाइक ही हैज टू टेक केयर ऑफ इट. ऑब्जेक्ट इन द रेड सीम क्लोजर देन अपियर्स इन द अदर कलर, अदर कलर्स. दिस इज वाई द सिग्नल्स दे आर नॉर्मली ऑफ द रेड कलर, दूर से दिख जाते हैं कि बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक इट इज क्वाइट क्लियर नियर टू द व्यूअर. रेड इज हैविंग द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड इट इज इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द हाइएस्ट. इट इवोक्स फीलिंग ऑफ द एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस. इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एज वेल एज ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड सेंस ऑफ स्मेल. रेड कलर वॉज एसोसिएटेड विद द लव, एंगर एंड द पेन. वैलेंटाइन के जितने भी गिफ्ट आते हैं वो आपको देखा होगा रेड कलर, आपको जो कार्ड्स दोगे या मिलेंगे, दिस मोस्टली दे आर कमिंग इन द रेड कलर्स इफ इट इज रिलेटेड फॉर योर लव एंड समथिंग. इट इज अ कलर एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स ड्यूरिंग बींग लिंक टू द पावर एंड स्ट्रेंथ. तो जो आपने देखी होंगी जर्सीज होती है डिफरेंट स्पोर्ट्समैन, उस तरह के कलर यूज करते हैं. ऑरेंज की बात करें, इट इज एन एपिटेट इंप्रूविंग एंड एंटरटेनिंग कलर. इट हैज अ रिवाइटलाइजेशन बूस्टिंग इफेक्ट. इट हैज एन इफेक्ट ऑन द इंट्रोवर्ट चिल्ड्रंस. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो लोग ज्यादा खुल के बात नहीं करते हैं, लाइक सम पीपल इन योर लाइक इन योर फ्रेंड सर्कल इज लाइक दे नेवर हैव द ओपन रिलेशन, लाइक आप ठीक से बात नहीं करते हैं, दे रिमेन कंजर्वेटिव, दैट्स कॉल्ड द इंट्रोवर्ट. और जो लोग ज्यादा बात करते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट. इंट्रो इनसाइड, एक्सट्रो बाहर की तरफ, एक्सट्रोवर्ट. और जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, लाइक मी. मैं काफी टाइम लगाता हूँ किसी के साथ कंफर्टेबल होने में, सो आई एम लाइक एन एम्बीवर्ट. इट डिपेंड्स ऑन माई मूड. सो एम्बीवर्ट का मतलब होता है द पर्सन इज इंट्रोवर्ट एज वेल एक्सट्रोवर्ट. इट इज अ पॉजिटिव एंड द ऑप्टिमिस्टिक कलर दैट कीप्स मोरल हाई. इट ऑल्सो अफेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड मेमोरी पॉजिटिवली.
ठीक है। सो अगर आपको कुछ मेमोरी वगैरह इम्प्रूव करनी है, सो ट्राई टू यूज दिस टाइप ऑफ कलर्स। लाइक आपके हाईलाइटर होने चाहिए, जो आपके हाईलाइटर होने चाहिए, इट हैज टू बी द ऑरेंज और इट हैज टू बी द येलो। तो जिससे आप मार्क करोगे, ये आपके माइंड की जो मेमोरी है, इट इज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। यू ट्राई इट, दिस आर द साइंस। इसमें ऐसा नहीं होता है कि याद तो करना है, ये तरीके होते हैं हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरी। और रेस्टोरेंट की डिपेंड करता है, इफ इट इज अ पब एंड बार सो डल कलर यूज किए जाते हैं, इफ इट इज लाइक कॉफी शॉप तो वहां पर आपको ब्राउन कलर यूज किए जाते हैं सो दैट यू विल फील रिलैक्स। अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, व्हाट डू यू वांट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आप वहां पर टेंशन लो काम की या फिर रिलैक्स करो। सो इफ यू आर यूजिंग द येलो और द रेड कलर और द ऑरेंज कलर, आपका माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा, बट यू हैव रीच टू द रेस्टोरेंट सो दैट योर माइंड विल बी काम, कॉफी वगैरह पियो, रिलैक्स करो। तो चीज होती है, रेस्टोरेंट में जाओगे डल कलर यूज किए जाते हैं सो दैट कि आपका जो माइंड की एक्टिविटी है उसको रिड्यूस किया जा सके, सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल। लोग लिक्वर क्यों पीते हैं, व्हाई द पीपल ड्रिंक लिक्वर और अल्कोहल, सो दैट क्योंकि माइंड जो है बहुत कुछ सोच रहा है, द माइंड इज थिंकिंग वेरी मच, सो इन दैट थिंग द लिक्वर और द अदर ड्रग्स, दो पीपल टुक द ड्रग्स, सो इट काम डाउन द माइंड, सोचने की क्षमता बंद कर देता है, एंड वेन द माइंड इज नॉट थिंकिंग सो एवरी प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर? सो कम टू द ब्लू, इट इज कॉल्ड एज अ रेशनल कलर, माई फेवरेट कलर इट्स ब्लू। इट इनहेंस कंसेंट्रेशन, इट ऑल्सो हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद अ डीप थिंकिंग एंड मेडिटेशन, सो इफ यू वॉन्ट टू हैव द थिंकिंग प्रोसेस और यू वॉन्ट टू हैव द मेडिटेशन, दिस कलर इज फेवरेबल। इट इज लिंक टू द अटेंशन, रीडिंग एंड विटैलिटी। इट रिलेट टू द फीलिंग फॉर सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी, सो आपके जो ब्लू कलर होते हैं थोड़ा सा सेफ्टी वाली फीलिंग आती है। इफ यू आर नियर ऑन द रेड कलर, यू वॉन्ट फील सिक्योरिटी, आपको ऐसा लगेगा सिक्योर, आप सिक्योर हैं, आपको हमेशा माइंड एक्टिव रहेगा कि आई हैव टू वेरी एक्टिव, बट इन द ब्लू कलर यू फील क्वाइट रिलैक्स। इट स्लो डाउन द हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग एज इट इज अ कार्मिंग इफेक्ट, इट लोअर बॉडी टेम्परेचर। अब आपको एक चीज नोटिस करने वाली बात है, चलो थोड़ा बहुत देर बात करेंगे। नाउ कम टू द ग्रीन कलर, अगेन इट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, रिलीफ एंड द रिलैक्सेशन। ऋषिकेश गए या फिर नीलगिरीज माउंटेन्स गए, लश ग्रीन वैलीज, लश ग्रीन माउंटेन्स, यू वॉट यू फील, इट फील द रिलैक्सेशन कि चलो यहाँ से बाहर निकल गए, आई एम फीलिंग क्वाइट गुड बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर। अब सोच कर देखो, इट्स ऑल बिकम द रेड कलर, अच्छा फ्रेंड लगेगा आपको। इट स्टिमुलेट द माइंड बोथ इमोशनली एंड लॉजिकली, ग्रीन इज ए प्रीडोमिनेंट कलर इन नेचर। तो आप नेचर में कोई भी चीज देखेंगे, इट्स ए प्रीडोमिनेंट, आप चाहे कोई ट्रीज ले लीजिए, जितने भी लेते हैं, इट इज ऑल ऑफ द हैविंग द मोस्ट ऑफ द कलर्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैविंग द ग्रीन और द शेड्स ऑफ द ग्रीन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द येलो विद कनोसेशन विद द हैप्पीनेस एंड जॉय ऑन द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड ब्लू दैट इज अ शॉर्टर स्पेक्ट्रम एंड लिंक्ड विद द पीस एंड द कामनेस। तो यहाँ पर एक चीज नोट करना कि कामनेस के बारे में कुछ लोग फिर यहाँ पर बोलेंगे कि डीप थिंकिंग मेडिटेशन कामनेस यहाँ पर भी कहीं आया था, कार्मिंग इफेक्ट और यहाँ पर भी चीज है जॉय एंड काम। सो ये हो सकता है, हैव द पेशेंस, आई विल डिस्कस इट इन कमिंग सेशंस स्लाइड्स। एक कलर, एक से ज्यादा कलर, दे कैन हैव द सेम इफेक्ट, ठीक है। उसमें ये वाली बात नहीं है कि तो ब्लू कलर नेट पर देखा है मैंने, ये सब देखा है, ये स्टूपिड लोग बात करते हैं, उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तभी बोलता हूँ कि डोंट वर्क ऑन दी इफेक्ट्स, कि वहां पर मिल गया रट्टा मार के याद रख लिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, द डिफरेंट कलर हैव द डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द डिफरेंट पीपल, ठीक है। इसीलिए सब लोग कलर डिफरेंट होते हैं, आई लाइक ब्लू, यू माइट लाइक ब्लैक और सम अदर पर्सन, दे कैन हैव द डिफरेंट कलर। सो इट इज अ कलर दैट, यस इट इज अ कलर ऑफ फ्लोरा मीन्स द ब्लू अ ग्रीन कलर, यस यू आर राइट। इट इज अ कलर दैट इज मोस्ट सूदिंग ऑन द आई, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द रीचिंग करेक्ट डिसीजन ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इमिट्स अ सॉफ्ट लेवल एनर्जी, इट इज यूज इन द आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, डांसिंग, कुकिंग, स्कूल एंड एप्रेसिंग। सो आपने देखा होगा द ग्रीन कलर जो होता है नॉर्मली पाया जाता है। पर्पल कलर के बारे में बात करें, सपोर्ट्स नॉन वर्बल एक्टिविटीज, नॉन वर्बल मीन्स इनोवेशन, आर्ट वर्क और समथिंग, उनको इम्प्रूव करता है। इट कैन बी यूज इन ड्रामा रूम, इट इज नॉट ए कलर दैट इज जनरली प्रीफर्ड इन स्कूल, और नॉर्मली स्कूल में प्रीफर नहीं किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ पर्सनल एग्जाम्पल, आई थिंक 4 to 5 years बैक माई फादर वॉज हैविंग द वाइट वॉश इन अवर हाउस, सो उन्होंने एक रूम के अंदर ये पर्पल कलर कर दिया, एंड इट वॉज आई हैव नो आइडिया लाइक इट वॉज सो डार्क और समथिंग, लाइक उस रूम में जा ही नहीं पाता था मैं। तो फिर मैंने क्या किया उसको, मैंने फिर अगेन जब मैं शिफ्ट हुआ गाजियाबाद फॉर द लास्ट लॉकडाउन, एंड देन आई अगेन मेट इट वाइट और द येलोश कलर, नॉट येलोश कलर, इट इज लाइक लाइट ब्लू कलर। इट एक्सेसिव यूज में लीड टू द ओवर थिंकिंग एंड फियर इन द चिल्ड्रन। सो अगर आप ज्यादा यूज करते हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, अति हर चीज की बुरी होती है, अति मतलब एक्सेस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, आइदर यू स्टडी बियॉन्ड योर कैपेसिटी, इट इज एन डिजास्टर फॉर यू। इफ यू हेट समवन
इफ यू लव समवन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इट इज अगेन डिजास्टर्स. ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस. नाउ यू लुक दिस पेंटिंग एंड यू नाउ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट डू फील, इट इज अ वार्म और इज अ कूल कलर. मानसी आपको पता है, मुझे पता है आपको सब क्वेश्चन पूछ चुका हूं मैं. यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर राइट, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स. इट इज हैविंग द बोथ एंड कूल कलर. ठीक है, मैंने बताया था ना इसके अंदर कि साहित्य कि पर्पल इज सिंबल ऑफ लग्जरी. इट डज नॉट मीन दैट लग्जरी इज ओनली एसोसिएटेड विद द पर्पल कलर. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस. ठीक है, गोल्ड इज वन ऑफ द प्रेसियस मेटल, लेकिन आपको गोल्ड ही दे दूं एंड आई विल नॉट लेट यू हैव द फूड, सो प्रेसियस किसी काम का नहीं है. इट डिपेंड परसेप्शन परसेप्शन. ठीक है, नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है थोड़ा सा आना चाहिए. यस कल्पना यू आर राइट, यशस्वी यू आर ऑल्सो. अगेन दिस गोज सेम फॉर इट, द अपर पार्ट इज हैविंग द वार्म कॉम्बिनेशन एंड द लोअर पार्ट इज हैविंग द कूल कॉम्बिनेशन. आई थिंक आपको समझ में आ गया. यहां पर बताओ, अच्छा इन वॉचिंग दिस पेंटिंग्स यस इट इज ऑल वार्म, देख के लग रहा है ना. अब आपको थोड़ा सा नोट करो, जस्ट हैव द 10 सेकेंड ऑन, हैव द कंसेंट्रेशन ऑन दिस थिंग. आपको अच्छा लग रहा है क्या? यू आर फीलिंग इनसिक्योर, समथिंग लाइक समथिंग इज कमिंग आउट, वार्म कलर्स हैं, ये सब चीजें आ रही है ना. यू आर नॉट फीलिंग, कामिंग इफेक्ट आपको नहीं लग रहा होगा, लाइक आपको देखने पर लगना पड़ रहा है, आपको माइंड हैज टू वेरी एक्टिव. 10 सेकेंड नोट करो इसको, जस्ट काम योर माइंड एंड ट्राई टू कंसेंट्रेट 10 सेकेंड ऑन दिस इमेजेस. आपको थोड़ा सा लग रहा हो गर्मी टाइप की वार्मनेस थी, आपका माइंड इज हैज टू वेरी एक्टिव, यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर. दिस इज द साइंस और द आर्ट ऑफ द कलर. चलो अब इधर देखते हैं. नाउ यू विल सी, थोड़ा सा लग रहा है ना कामिंगनेस. यस अनुराग यू आर राइट, इट्स लाइक फीलिंग द कूल कलर्स, लाइक थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट लग रहा है कि हाँ कामनेस है. सिक्योरिटी वाइज भी थोड़ा सा लग रहा है कि है. ऐसा आपको ओवर इफेक्ट नहीं डाल रहा है ना कूल एंड काम. इसीलिए मैं बोलता हूँ द योर फोकस शुड बी टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. आप किसी चीज को याद करके रट्टा मारकर यू कैन गेट द गुड मार्क्स, लेकिन आप लाइफ में फेल हो जाओगे. आपने देखा होगा आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी टॉपर और जो चीज काम करते हैं, बट वॉट आई फील द टॉपर्स दे ओनली वर्क फॉर द गेटिंग द गुड मार्क्स. उनको सिर्फ नंबर चाहिए होते हैं. सो दे नॉर्मली एंड दे नॉर्मली फेल्ड वेन द पेपर चेंज, पैटर्न चेंज होता है तो उसके हिसाब से कम्पीट नहीं कर पाते हैं. Because their main focus was to getting the more marks rather than understanding the concept. So अब आपको कुछ, अब कोई भी definition आती है, why there is a need to learn the definition? क्या करेंगे ये definition याद करके? Now you understand the concept कि blue color या जो cool colors होते हैं, they are feeling आपको peace, meditation, security provide कराते हैं, और जो red color, जो warm color होते हैं, they will give you the attention, आपका mind active करते हैं. ठीक है, अब सोच के देखो, आपको you become a good architect. और आपने क्या करा, आपने ये कलर अपने ऑफिस में डाल दिए, आपके एम्प्लॉयज काम करेंगे, दे विल बी रिलैक्स कि ठीक है कामिंग इफेक्ट. तो वहां पर आपको स्कूल के अंदर भी ये सब काम करना पड़ेगा. ठीक है, चलो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नाउ कम टू द कलर टर्मोलॉजीज. There are various terms to understand the color theory or the language of the color. बहुत simple तरीका है इसको, ये नहीं हु क्या होता है, saturation क्या होता है और value. So जो hue होता है, so these are the three terms. That's called the HSV system. HSV color system. H for hue, S for saturation, V for value. देखो hue का मतलब होता है color. जो हम लोग normally जो हम color use करते हैं, blue color, red color, it is not the actual color. It is better to say it is a red hue. कलर एक बहुत बड़ा सबसेट है जिसके अंदर यू ए कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सो जब कलर बोलते हो लाइक द कलर ऑफ माई सेलफोन इट्स ब्लू, नो इट इज लाइक आई विल रादर सेज रादर इट इज बेटर दैट द ह्यू ऑफ दिस फोन इज ब्लू. ब्लू का ह्यू का मतलब क्या होता है? कलर. इस सिस्टम को बोला जाता है मुंसेल कॉन्सेप्ट सिस्टम. सो अकॉर्डिंग टू द मुंसेल कलर सिस्टम HSV इज अ 3D डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. इट इज हाउ ह्यूमन परसीव कलर, लाइक एज अ ह्यूमन हाउ वी परसीव द डिफरेंट कलर्स. That's called the HSV system. कैसा होता है? Hue, saturation, and the value.
इसको आप इस तरह समझो, इट इज टोटल डार्क और विल से द ब्लैक, और इसको व्हाइट और कॉल द ओवर एक्सपोज. अगर आप यहां से लेकर ऊपर जाते हो तो कोई भी कलर होगा, ह्यू होगा, वो लाइट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. नाउ सपोज दिस इज अ ब्लू क्यू, दिस इज ब्लू, एंड ब्लू क्या है ये, इसका है एच यू. अगर आप ऊपर जाओगे सो यू विल गेट लाइटर ब्लू, और आप नीचे जाओगे यू विल गेट द डार्कर ब्लू, बिकॉज यू आर मूविंग इन द डार्क साइड. यहां तक क्लियर है? और आप इसके जितना सर्कल के अंदर जाओगे सो द कलर विल बी एडिट, लाइक दिस इज ब्राइट ब्लू, और जितना जाते जाओगे डल होना स्टार्ट हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहां पर बन जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट. मोस्ट ऑफ यू आई थिंक यू आर ऑन द इंस्टाग्राम, डू वन थिंग, इंस्टाग्राम पर कोई फोटो अपलोड करो और उसके अंदर जाके एक ऑप्शन आता है एडिटिंग का, इसको ट्राई करके देखना. आफ्टर दिस क्लास आई विल टेल यू कि आप कोई भी कलर कोई भी ऐड करते हो तो उसमें एडिट पर क्लिक करो, और एडिट के बाद यू विल कम जस्ट स्क्रॉल डाउन ऑन द स्लाइड ऑन द राइट, सो यू विल गेट द सैचुरेशन. अगर आप उसको कम करते हो सो इट विल बिकम द वाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, और सब ज्यादा करते हो तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर बन जाते हैं, दैट्स कॉल्ड द सैचुरेशन. इफ यू सी अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दैट्स मीनिंग इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, सॉरी इट इज नॉट सैचुरेटेड एट ऑल, और आप उसको सैचुरेट कर दोगे जो ब्लू कलर विल बिकम द ब्राइट कलर. क्लियर? सो अगर ये दिस इज अ ह्यू और आप इसको सैचुरेशन बढ़ाते हो सो यू विल कम ऑन दिस कलर, और आप घटाते हो यू विल कम टू द ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. द होल सिस्टम इज कॉल्ड एज मुंसल कलर सिस्टम. ऊपर जाते हो इट विल बिकम द व्हाइट वन, नीचे आते हो इट बिकम द डार्क वन, और इधर की तरफ जाते हो तो ये सैचुरेटेड हो जाता है, डिसैचुरेटेड हो जाता है. यस, यू आर द राइट वर्ड इज डिसैचुरेटेड. गुड, थैंक यू अनुराग. कैसे इसको फिर से समझते हैं. सपोज दिस इज अ ह्यू, ह्यू क्या है, रेड ब्लू. जितना आप अंदर की तरफ जा रहे हो सो ये क्या होता जा रहा है, इट इज डिसैचुरेटेड लाइट. तो यहां पर क्या है, ये ज्यादा ब्राइट है, नाउ लेस ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और अल्टीमेटली यहां पर क्या बन जाएगा, ग्रे, दैट इज डिसैचुरेटेड. ऊपर जाओगे तो कलर आपके देख रहे होगे इज अ रेड और येलो, तो ये क्या होता है, व्हाइट ऐड होता जा रहा है, और नीचे की तरफ आओगे सो विल बिकम द मोर डार्क. नाउ द कॉन्सेप्ट इज व्हाट डू मीन बाय द ह्यू, इसका मतलब होता है प्योर कलर, इट इज द नेम ऑफ द डोमिनेंट कलर. आपने एक कलर मुझे दिखाया तो जो मुझे लगेगा इट इज डोमिनेंट कलर, देन आई विल कॉल इट इज अ ह्यू. सो इट इज द नेम ऑफ द डोमिनेंट कलर, रेड ग्रीन ब्लू येलो एंड ऑरेंज, एनी कलर एक्सेप्ट ब्लैक व्हाइट एंड द ग्रे. ग्रे क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट का टोन तो है, और क्या है, आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट ह्यू. द डिफरेंट ह्यू हैज डिफरेंट वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम. ऑफकोर्स रेड इज हैविंग द हाइएस्ट वेवलेंथ एंड ब्लू इज हैविंग द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम. An element of the visual art, the visible range of the reflected light. बहुत सारे example हो सकते हैं, like यहाँ पर lime, gold, yellow, aqua, cyan, these are the different hue. ठीक है, यहाँ पर हम देखा था हम लोगों ने, कहाँ से आते हैं, VIBGO, so VIBGYOR. Wavelength कितनी होती है, you remember, 750 to 800 nanometer, से लेकर 400 nm से. जो विजुअल स्पेक्ट्रम हमारी लाइट आती है, ये शायद आपने पढ़ा होगा इन योर फिजिक्स क्लास. ठीक है, अभी मैं बोलना कि फिजिक्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन उसको थोड़ा सा पढ़ोगे ना डिटेल में, वही चीज होती है कि यू शुड योर टारगेट शुड बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी होते हैं. अब आते हैं वैल्यू. वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिफरेंट जो वैल्यू होता है, वैल्यू इज लाइक, उसका मतलब बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ ए कलर इज डिस्क्राइब्ड हाउ ब्राइट और डल. मतलब आपने कलर देखा, एक ह्यू देखा, एंड इफ इट इज मोर ब्राइट देन इट्स अ डिफरेंट वैल्यू, इफ इट इज अ क्वाइट डल इट इज हैविंग द डिफरेंट वैल्यू. सो वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ ए कलर इज डिस्क्राइब्ड एज हाउ ब्राइट और द डल, और हाउ लाइट और डार्क द ह्यू इज. कितना ज्यादा लाइट है और कितना ज्यादा डार्क है, उसी को बोला जाता है वैल्यू. इट इज डिस्क्राइब्ड इन थ्री टर्म्स. These
दिस टर्म डिस्क्राइब्स हाउ अ कलर वेरीज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल ह्यू. आपने ब्लू कलर लिया बट यू एड सम व्हाइट, ग्रे और ब्लैक, ब्लैक सो उसके डिफरेंट टोन, शेड एंड टिंट निकल का आया. बात करेंगे अभी. इफ व्हाइट इज एडिड द लाइटर वर्जन ऑफ द कलर इज कॉल्ड एज टिंट. सो सपोज दिस इज योर प्योर ह्यू, उसके अंदर आपने यू एडिड व्हाइट कलर. सो जैसा आप एड करोगे व्हाइट कलर, इट विल हैव द डिफरेंट कलर्स, इट्स कॉल्ड एज अ टिंट. सो द न्यू कलर विल बी, वी विल कॉल्ड इज एज अ टिंट ऑफ द ब्लू कलर. सर डू यू नो अबाउट द मिडिल ग्रे इन द फोटोग्राफी टाइम. हाँ, कुछ कलर होता है उसको हमारा कैमरा सेट नहीं कर पाता है, वो अभी जरूरत नहीं है उसको बात करने की. लाइक फोकस ऑन दिस थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग. ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार, उससे क्या होता है कि पूरा रिदम चेंज हो जाता है ना. इफ इट इज रिलेटेड फॉर दिस टॉपिक देन ओके क्लियर. व्हाइट इज एडिड, अगर आप व्हाइट एड करते हैं सो द रिजल्टेंट कलर विल बी, वी विल कॉल्ड इज एज अ टिंट ऑफ द ब्लू कलर, प्योर कलर. द लाइटर वर्जन ऑफ द कलर इज कॉल्ड एज टिंट ऑफ द कलर. इफ वी एड द ब्लैक तो हमें क्या मिलेगा, शेड. सो वी विल गेट द डिफरेंट शेड. द डार्कर वर्जन ऑफ द कलर इज कॉल्ड द शेड. और इफ वी आर एडिंग द ग्रे, जब ग्रे एड करते हो द वर्जन इज कॉल्ड एज अ टोन ऑफ द कलर. अंडरस्टूड? Understood the concept between tint, tone, and shade. Shade is very much easy. Like if you add the black color, it will become the different shade of the same color. If you add the white color, it will become the tint of the different colors, with the same the tint of the color. And if you add the gray, it will become the tone. आप इसको ऐसे समझो. This is a pure hue. इसके अंदर हमने क्या करा? We add white color. तो क्या हुआ? It is a different tint of the our color. We add black color here, so it is a different shades of the color. We add tone, so it is, we are having the different shades, a different tone for the color. Simple. और भी समझ सकते हैं. This is the pure hue, और आपने इसमें white color add किया, तो these are the tint of the orange color. आपने इसके अंदर you add the black color, so it will become the shades of different. A different shade of the orange color. Lighter version है ये, भूल जाओ उसको. So hue, saturation we understand. Now come to the value. Tint, shade and tone, वही same चीज आती है. Value is more important than color to design and success of any composition. Value पता होना जरूरी है. Like in color palette you will get only 15 colors. So, 15 कलर से तो कलर काम नहीं चलेगा. सो यू हैव टू एड सम डिफरेंट वैल्यूज. वैल्यू इज यूज टू क्रिएट अ फोकल पॉइंट विद इन अ पेंटिंग, ड्रॉइंग इन कंपोजिशन. द ह्यूमन आई इज इमीडिएटली ड्रॉन टू अ लाइट एलिमेंट अगेंस्ट अ डार्क एलिमेंट. तो जो हमारी जो आई होती है लाइट कलर को ज्यादा नोटिस करती है. दिस क्रिएट द फोकल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ द डेप्थ. ग्रेडेशन ऑफ वैल्यू आर ऑल्सो यूज. एरिया ऑफ द लाइट एंड द डार्क गिव अ थ्री डायमेंशनल इल्यूजन ऑफ एनी फॉर्म. इसको ऐसे समझते हैं. Suppose I want to make a cube. इसे तो बनाऊंगा मैं. But if I add like यहाँ पर dark color करना start कर दिया मैंने, shading करी, it will give the 3D effect. So जो lighting shading होती है, जो value होती है, जो color की value करेंगे ना हम लोग. So it is giving you 3D effect. इसलिए आपने देखा होगा कि the person which is making the outline of an object, वो 3D नहीं दिखाई देता है. But if you are adding shades और आप उसका hatching करना start करते हो, it will feel like 3D. और जो photo देखते हो उसके अंदर पूरा gradation आती है. For example, you see this painting. This part is having the lighter value. So, ये आपको, it is like ये dark color नहीं है. And this is the darker value of the color. What does it mean? कि ये shade में है. So, you are adding the different values and it is giving the 3D illusion effect. कि ये जो painting है, it is having the 3D object. Clear? सेचुरेशन लाइक सेचुरेटेड या डिसेचुरेटेड, या उसको बोले क्रोमा या इंटेंसिटी. दिस थ्री वर्ड्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. सेचुरेशन डिफाइंस द ब्रिलियंस एंड इंटेंसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक कलर. सेचुरेशन क्या होती है? बताती है कि ब्रिलियंस या इंटेंसिटी क्या है उस कलर की. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिग्री ऑफ प्योरिटी
कि जो कलर है कितना प्योर है, कितना साफ है, डिग्री ऑफ कलर विविडनेस और क्रोमा और द इंटेंसिटी, दिस टर्मोलॉजीज बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ डिफरेंट फ्रॉम प्योर ग्रे द कलर इज. सैचुरेशन इज नॉट रियली अ मैटर ऑफ द लाइट एंड डार्क, बट रादर हाउ पेल और स्ट्रॉन्ग द कलर इज. द कलर डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल एक्सिस आर कंसिडर्ड डिसैचुरेटेड. So, say it. This is pure 100%. If you desaturated 50% or 25% desaturated. So you see, saturation ये वाला point अगर यहाँ से लेते हैं, so this is a lightness, यहाँ पर चली जाएगी, ये darkness है, like this is a dark, this is a light, तो आप यहाँ से देखेंगे and it is desaturation. कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? मोस्टली वी विल डिस्कस इन, वी नॉर्मली यूज टू डिस्कस इन थ्योरी ऑफ डिजाइन, बट कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट को ऐसा समझो, एक दिन आप सुबह निकलते हो इन द सनराइज एंड द कलर ऑफ द सन इज नॉट ऑरेंज, इट्स बिकम द लेट्स से ब्लू, इट्स अ कंट्रास्ट. जो आज तक नहीं हुआ है कुछ अलग हो रहा है. आप खुद पढ़ते नहीं हो, यू डोंट बिलीव इन स्टडी, बट वन डे योर फादर योर पेरेंट्स वेक अप एंड यू स्टार्ट लाइक रीडिंग and you study for the next 12 hours. That's contrast. So contrast का मतलब होता है difference between the two objects, कुछ नया. या फिर ऐसा देखो, like you made a composition in which elephant जो है, elephant का size ये है, और maybe a bird का size इतना बड़ा बना दिया आपने, like this, या कुछ ऐसा, इस तरह से. There's a contrast. ये चीज़ तो होती है theory of design. Theory of design बच्चे डरते हैं, and theory of design like को ऐसा है कि fingertip आपको याद होना चाहिए. देखते समझ जाओगे. इट इज नथिंग, देर इज नथिंग टू रिमेंबर द थिंग्स इन थ्योरी ऑफ डिजाइन. इट इज ऑल अबाउट योर माइंड. एक बार समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. बट चलो देखते हैं. सो कंट्रास्ट मीन्स डिफरेंट बिटवीन लाइट एंड डार्क टोन. सेचुरेशन का मतलब होता है लेस सेचुरेटेड, इट विल बिकम द डल. लाइक यू क्लिक अ फोटोग्राफ इन द इवनिंग, सनलाइट इज नॉट एप्रोप्रिएट, सो द फोटोग्राफ विल बी क्वाइट डल. और डिसैचुरेटेड का मतलब होता है इट्स बिकम द शेड ऑफ द ग्रे, लाइक देर इज नो कलर. सो डिसैचुरेटेड मींस देर इज नो कलर. नो कलर मींस आइदर व्हाइट, ब्लैक और ग्रे. हाई सैचुरेटेड विविडनेस, इट कैन बी एलिफेंट, स्पैरो, इट कैन बी एनीथिंग. इसमें क्या है एग्जांपल, हाई सैचुरेटेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और कुछ भी हो सकता है. आप एक लाइन को बना दो छोटा सा और अपने को बड़ा बना दो, इट्स अ कंट्रास्ट. डिजाइन प्रिंसिपल डिजाइन को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉर द डिस्कसिंग द प्रिंसिपल डिजाइन आई नीड एटलीस्ट 2 to 3 hours. नॉर्मली 3 क्लास लेता हूँ एंड उसको डिस्कस करने के लिए. कुछ का फायदा नहीं है, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस. समझते हो कि जो आधी नॉलेज होती है वो ज्यादा नुकसान देती है आपको. सो बट लिव इट, अभी फोकस करो. ओवर सैचुरेट मीन ज्यादा ओवर सैचुरेट कर दो. नाउ यू सी यहाँ पर क्या कंट्रास्ट, ब्लू कलर, रेड कलर, यहां पर कुछ स्मूथनेस, सो इट्स अ फीलिंग ऑफ द कंट्रास्ट. सो वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक फॉर द 5 मिनट. तो 9 बजे हैं, 9:05 है पर वी विल स्टार्ट एट 9:06. जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है, पानी नहीं पीना है, तो आप कर सकते हैं. उसके बाद वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक. हरारकी वगैरह हम बता नहीं सकता आपको ना, इन सब चीज़ें सीवर हम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. लाइक मैं आपको टिट्स एंड बिट्स में नहीं बता पाता, बता सकता मैं. हरारकी का मतलब क्या होता है, आप इसको इस तरह समझो, लाइक आपको यू नो ऑल अबाउट द आर्क जेनेसिस, आपने वीडियोज देखी हैं इन यूट्यूब. आपको मेरे बारे में जानकारी, मे बी यू वॉन्ट हैव द आइडिया अबाउट माई नेम बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास. मैं कोई बोलता भी नहीं हूँ अपने आपको, ऐसा वो भी नहीं करता हूँ कि लाइक माई नेम इज अनुराग, आई हैव कम्प्लीट माई ग्रेजुएशन और सब चीज़ें. और फालतू की चीज़ें होती हैं, लाइक आपका कंटेंट मेहनत होना जरूरी है. सो यू नो दैट दिस इज आर्क जेनेसिस एंड आई एम ऑन द टॉप, है ना, क्योंकि जो भी स्टार्टअप है, जो भी आइडिया है वो मेरे ऊपर है. ठीक है, जो दिस इज मी, और मेरे नीचे भी कई लोग काम करते हैं.
जो मेरे नीचे काम करते हैं, लाइक 3 to 4 पीपल आर वर्किंग लाइक अंडर मी. सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, लाइक इट इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू, सो अगर आप सपोज करो यू वांट टू हैव एन अ ग्रुप फोटोग्राफ फ्रॉम द आर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा, आई विल बी द सेंटर. ये आपके जो स्कूल में होता है, आपके जो फोटो क्लिक की जाती है, ग्रुप फोटोज क्लिक की जाती है, एट द सेंटर इज अ प्रिंसिपल, ऑन द साइड ऑन द लेफ्ट और द राइट इट इज योर क्लास टीचर और योर टीचर्स, है ना. क्या मतलब है इसका, देन यू हैव कंपोज योर ग्रुप इन टर्म्स ऑफ द हायरार्की. सबसे ऊपर कौन है, उसके वैल्यू, आपकी जो आपका जो आइज है, इट फर्स्ट वी लाइक विल फोकस ऑन द प्रिंसिपल, देन क्लास टीचर, देन टीचर्स एंड देन यू. उसको बोला जाता है हायरार्की, ठीक है. या दूसरा एग्जांपल समझते हैं, यू विजिटेड एनी रेस्टोरेंट, वहां पर आपने मेन्यू कार्ड लिखा है खाने पीने का, तो क्या होता है, पहले से बड़ा नाम लिखा होगा उस कंपनी का, नाम उस रेस्टोरेंट का नाम एक्स वाई जेड कंपनी. उसके बाद क्या होगा, उसके लिखा होगा कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर डेजर्ट्स. तो क्या मतलब है, दे आर यूजिंग द हायरार्की सिस्टम. ऑल्दो आपको इतना ही है अभी समझने के लिए. समझ में आया क्या होता है हायरार्की? अब यार लिमिटेशन है ना, हर चीज में डिस्कस नहीं कर सकते इसमें. ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू. जो थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग क्लास होती है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर करते हैं, 3 4 दिन के अंदर उनको डेफिनेशन याद नहीं होगी, तो गारंटी मेरी है. अगर आप उनसे बोलोगे लिख कर बता दो, तो दे विल फॉरगेट, फेल हो जाएंगे बच्चे. लेकिन अगर चूज करना होगा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उनको सब कुछ पता होता है. प्लीज से व्हाट इज टेल, ये टेल एक कलर होता है ना, कुछ टेल एक कलर होता है, कुछ ऐसा सा ग्रीनिश टाइप का कलर होता है, मतलब ह्यू होती है. देख लो सर, थर्ड ईयर इज आर्किटेक्चर इज ब्लैक ईयर. नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना, ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं होता यार, सब फालतू की चीजें होते हैं, लोग कुछ ही बनाते हैं. थर्ड ईयर के अंदर आई थिंक सही रहता है, लाइक यू हैव टू मेक योर पोर्टफोलियो एंड यू हैव टू स्टडी फॉर, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर इंटर्नशिप, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. पोर्टफोलियो बनाओगे भेजोगे, और आप नॉर्मली करना चाहते हो तो फिर तो इजिली कहीं भी कर सकते हो, बट इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड फॉर्म, और आप यूरोप से या फिर किसी कंट्री से करना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ती है. सर आई आई मीन तमिलनाडु, सो वेयर, सो विच वेबसाइट शुड आई फॉलो टू सी सिलेबस एग्जाम डेट्स एंड कॉलेज? सिर्फ यू हैव टू विजिट नाटा, डोंट बिलीव एनी वेबसाइट, इवन आई एम नॉट सजेस्टिंग माई वेबसाइट ऑल्सो. यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं, दे हैव देयर ऑन लोकल इंटरेस्ट. कल सपोज करो, इसको देखो वैसे लेके चलते हैं, वी विल ट्राई टू लाइक टू अवॉइड ऑल द मिस्टेक एंड द एरर, बट वॉट इफ आई विल टेल यू द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आपका क्वेश्चन आ जाता है एंड यू रोट डाउन द रॉन्ग थिंग ओवर हेयर, तो आप क्या करोगे मुझसे कि सर आपने ये बताया था, तो मैं क्या करूंगा, आई विल से मैक्सिम सॉरी. नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ. इट इज ऑल्सो गोज फॉर दी अदर वेबसाइट एज वेल, अदर यूट्यूब चैनल. सो डोंट बिलीव, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यू ऑलवेज बिलीव इन ऑफिशियल सोर्सेज, गो टू देयर वेबसाइट, डाउनलोड देयर नोटिफिकेशन, चेक इन. बाकी जो लोग होते हैं, लाइक वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द आर्किटेक्चर, सो वी ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी. अब आप सोच कर देखो, आर्क जाने से क्या कर रहा है, बैंक की तैयारी भी करा रहा है, एसएससी की तैयारी करा रहा है, और गेट की तैयारी करा रहा है, तो हमारा जो फोकस है डाइवर्ट हो जाएगा. इफ इट इज डाइवर्टिंग, तो क्या होगा, हम लोग माइनर डिटेल्स को फोकस नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम क्या हुआ, आपका 10th of April को एग्जाम था, सो मैंने स्टूडेंट कॉल मी ऑन 8th or 9th of April एंड दे आर आस्किंग सर ड्रॉइंग है या नहीं है. अब सोच के देखो कि यू कैन थिंक अबाउट द लेवल ऑफ देयर प्रिपरेशन, कैसे काम करेंगे. चलो वापस आते हैं, पोर्टफोलियो वगैरह हम लोग आदि का क्लास में देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी. यस, प्रवीण ने बताया तो है, ये ग्रीन और ब्लू टेल कलर, ये सब क्वेश्चन ना पूछने का फायदा नहीं होता है. लाइक इट इज लाइक टेल कलर, वैसी बेसिक थिंग, गो टू द गूगल सर्च कर लो, इतना आप मेहनत करते हो पूछने में. मैंने बताया ना, इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है, उसको ग्रैब करने की आपको ताकत चाहिए. यू आर बिल्डिंग अवर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच सर, आई हैव नेवर लर्न लाइक दिस बिफोर. अब कदम यस, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दियर डन स्टडी मैथ्स इन नाटा. व्हाट इफ यू डोंट स्टडी सर, फ्रॉम हैदराबाद कैन स्टडी आर्किटेक्चर हियर इन हैदराबाद और पैलेस इज मैटर. इसको हम लोग मलिका विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. सर वी कैन गेट गुड कॉलेज और नॉट, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ यार, मुझे बताओ कैसे जवाब दे सकता हूँ. अच्छे कॉलेज बच्चे ही लेते हैं, बेकार कॉलेज भी बच्चे ही लेते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रिपरेशन, ठीक है. सो आप प्रिपेयर करोगे, इस बात की गारंटी है कि इफ यू प्रिपेयर वेल तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. और आप किसी से, यू आर नॉट अ बैगर और यू नॉट आस्किंग एनीथिंग, आपको छीनना आना चाहिए. आपका माइंड ऐसा होना चाहिए सुबह के टाइम उठ के कि आई वॉन्ट टू गेट SPA एट आई विल पे, लाइक एवरीथिंग कम्स विद ए प्राइस टैग. आप कोई मार्केट जाते हो, सपोज यू विजिट H&M, माई फेवरेट शोरूम, H&M पर जाओगे तो क्या होगा, 1500 की टी शर्ट है, दे तो रहे हैं. एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस टैग, यू कैन इजिली बाय SPA,
आप उसको ले सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो SPA है उसके प्राइस टैग के साथ आता है, मतलब यू हैव टू गेट 99.9% मेहनत करो मिलेगा। आई मीन प्रिपेयर। चलो वापस आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कलर हार्मनी स्कीम। कलर हार्मनी का मतलब क्या होता है? कलर हार्मनी का मतलब होता है कि सब कुछ अच्छा सा लग रहा है, लाइक आपके हार्मनी के अंदर ऐसा नहीं है कि देर इज अ क्लास ग्रुप और वहां पर एक एक बच्चा उल्टे से कपड़े पहन गया है, लाइक जोकर के कैसे कपड़े पहन गया है। सो इट विल नॉट फील दी लाइक हार्मनी में नहीं जा रहा है ना, कुछ लोग बोलते हैं जैसे हार्मनी नहीं है यार इसमें, कुछ ना कुछ चुभ रहा है आंखों में, दैट्स कॉल्ड द हार्मनी। कलर हार्मनी इज अ कंसेप्ट ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द कलर व्हील इन डिफरेंट वेज सो दैट द रिजल्ट सीम हार्मोनियस। जो आपने कुछ भी कंपोज किया है द फाइनल प्रोडक्ट शुड बी हार्मोनियस इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग व्हेन व्यू। इसी को बोला था हार्मनी। अब जो डेफिनेशन नहीं है हार्मनी की, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको देख लगना चाहिए, इट्स अ बैलेंस द कलर यूज इन द प्रोपोर्शन, गुड प्रोपोर्शन। उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, एनालॉगस, ट्राइडिक, स्क्वायर कलर सिस्टम स्कीम और मोनोटोन स्कीम, ठीक है। देखो ये होता है आपका कलर्स। अगर हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब बी प्रवीण एक आई विल, आप जानते हैं ना, मुझे मुझे फोर्स मत करो आप, है ना, इन चीजों के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई फोकस इज नॉट ओनली यू, माई फोकस इज टू कंप्लीट सिलेबस। अगर मैं आपसे बात करना स्टार्ट कर दूंगा तो बाकी को नहीं हो जाएगा। अभी मैं सोचूं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं बट आई एम डेलिबरेटली इग्नोरिंग द थिंग, ठीक है। ये आप कोई पर्सनल क्लास में नहीं बैठे हुए हो, कुछ क्वेश्चन होगा तो आई विल गिव यू द टाइम, तब हम बात कर लेंगे, ठीक है। अभी उसको फोकस करो बाकी बच्चों का। यू कैन नॉट बी सो सेल्फिश इन दिस टाइम बिकॉज इट इज मोर देन 160 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल। अपना सोचोगे ऐसे सेल्फिश हो जाओगे तो कैसा काम चलेगा, है ना। दिस इज द प्रॉब्लम फेस बाय सोसाइटी। अपना सोचते हैं हम लोग, सोसाइटी बारे में बात ही नहीं करते हैं। सेल्फिश मत बनो, सेल्फ इंटरेस्ट इज क्वाइट गुड, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। सो यू जस्ट सेंड दिस मैसेज टू 3 to 4 times, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? वॉट इज मोनोक्रोमेटिक? मोनो मीन्स वन, क्रोमेटिक मीन्स कलर। इफ यू आर यूजिंग द सेम कलर विद द डिफरेंट शेड्स और द डिफरेंट टोन, दैट्स कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक, मोनोपोली, मोनोगैमी, नाम सुना है ना, मोनोगैमी, मोनोपली, ये सेम वर्ड्स है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लाइफ में कुछ एक, मैं पर्सनल को एडवाइस देता हूँ, आपके पास जब भी टाइम हो ना, 2-3 महीने का, और 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा, लाइक ऐसा नहीं है, यू हैव टू जस्ट, इफ यू कैन गिव हाफ एन आवर और 1 आवर डेली फॉर द नेक्स्ट और 3 मंथ्स। एक बुक आती है उसका नाम है वोकेबुलरी इंप्रूव करने की, आई विल गिव यू द नेम ऑफ दैट बुक। इट इज जस्ट 125 और 170 बुक, अमेजोन में मिल जाएगी आपको, गो फॉर इट। इट इज लाइक एन अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। आपको काफी सारी चीजें लाइफ में क्लियर हो जाएंगी कि ये टर्मोलॉजी कहाँ से आई है, इसका मतलब क्या हो सकता है ना। सो गो फॉर इट। यस, वर्ड पावर मेड इजी, यस यू आर राइट। तो उस बुक को जरूर पढ़ लेना, इट इज लाइक अ सेल्फ डेवलपमेंट गाइड है। इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। मुझे काफी लोगों ने बोला था कि सर कैन बी स्टार्ट ऑन द यूट्यूब चैनल, ये सब चीजें कि आप उनको पढ़ाए, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि मैं चाहता हूँ डेडिकेटली आर्क जेनेसिस शुड बी कन्फाइंड ओनली फॉर द आर्किटेक्चर पर्पजेज। उसका फायदा नहीं है जस्ट फॉर द गेनिंग द मोर फॉलोअर्स, हम कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे। बट इट इज माई सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, जो लोग इंग्लिश में अच्छे हैं और दो स्टूडेंट्स आर हैविंग द प्रॉब्लम इन इंग्लिश, सो प्लीज गो फॉर इट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सस्ती बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, साइंटिफिक है, सही मिल जाएगा आपको। सो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? क्रोमा मीन्स वन कलर, एंड कलर एंड मोनोक्रोमेटिक लाइक यूज यू आर मेकिंग कंपोजिशन और यू आर ड्रॉइंग कलर स्कीम्स इन इंटीरियर कलर और समथिंग, बट यू आर यूजिंग द वन कलर विद अ डिफरेंट शेड, टोन एंड टिंट, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा वेदिक, आई जस्ट ड्रॉ मी मैसेज, आई विल शेयर इन द ग्रुप। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है दिस इज द मेन कलर, यू आर एडिंग द दिस कलर ऑल्सो एंड 3 कलर, 3 कलर लाइन से मिलते हुए आप यूज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड द एनालॉगस। डोंट वरी, अभी मैं आ रहा हूँ चीज के ऊपर, आई विल शो यू दिस बाय द फोटोग्राफ्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री इज लाइक एक कलर आपने ये लिया है,
यस अलीजा, ठीक है, बता दिया उसने। देखो वेरिका, लाइक वर्ड पावर मेड इजी, सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी। नॉर्मन उनका एक नाम है, उनके ऑथर है, बड़ी प्यारी बुक है। ऑल दो पीडीएफ मिल जाएगी आपको उसकी, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट यू, क्योंकि 100-150 रुपए के चक्कर में आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसके अंदर लिखने का भी होता है। सो गो फॉर इट, दी हार्ड कॉपी, राइट? सो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम मीन्स इफ यू आर यूजिंग द येलो कलर, तो जो सामने वाला कलर आएगा उसको यूज करोगे आप उसमें। अगर इफ यू आर यूजिंग दिस कलर, तो आप उसके अपोजिट वाला कलर यूज करते हो कलर स्कीम के अंदर, दैट्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सिंपल है। सपोज दिस इज योर मेन कलर, और आप इस मेन कलर के अपोजिट कलर लेकर आते हो, और उसके जो साइड वाला पार्ट है उसको अपोजिट वाले को ना करके उसके अपोजिट के दोनों साइड वाले को यूज करते हो, दैट्स कॉल्ड द स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। लाइक इफ यू आर यूजिंग, सपोज यू आर यूजिंग दिस कलर, तो वन कलर इज दिस एंड सेकेंड कलर क्या होगा इसके पड़ोस वाले, सो टू एंड थर्ड कलर यू आर यूजिंग, दैट्स कॉल्ड द स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। ट्राइड, आप तीन कलर यूज कर रहे हो, ठीक है, ट्रेट रेड अपोजिट दो कलर्स, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे भी कलर यूज कर रहे हो, लाइक वन कलर इज अपोजिट 90 डिग्री पर दूसरे कलर, उसके अपोजिट, दैट्स कॉल्ड द कलर स्कीम सिस्टम। नाउ द कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट कलर स्कीम, वेरी सिंपल। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर आर द कलर विच इज डायरेक्टली अपोजिट फ्रॉम वन अनदर, एंड द कलर वी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर कंट्रास्टिंग एंड स्टैंड आउट अगेंस्ट ईच अदर बिकॉज दे आर कंट्रास्टिंग। सपोज दिस इज वॉर्म कलर, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ग्रीन, कूल कलर। हमने देखा था कि 50, इसको अगर हम लोग इस तरह से डिवाइड करें लाइक दिस, सो दिस आर द वॉर्म कलर्स एंड दिस इज द कूल कलर्स। सो इफ यू आर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री, सो इट इज क्वाइट वेरी मच ऑब्वियस दैट यू आर ब्रिंग द कंट्रास्टिंग इफेक्ट, आ जाएगा ना, ये वाला कलर यूज करोगे तो वॉर्म कलर, और ये क्या होगा, कूल कलर, रेड ग्रीन और सब चीजें, एंड सो कॉल्ड डायरेक्ट हार्मनी, उसको हम डायरेक्ट हार्मनी भी बोला जाता है। सेम चीज इफ यू आर यूजिंग अ पर्पल, देन द सेकंड कलर विल बी द येलो, येलो ऑरेंज ब्लू पर्पल। ये कौन से कलर है सर? इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये कलर लिया हुआ है, कौन सा कलर होगा, दिस विल बी द कलर, और ये वाला कलर है उसके अपोजिट कौन सा कलर है, यहाँ पर ये वाला कलर यूज किया गया है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, ठीक है, जो मेन डोमिनेंट कलर होते हैं, दैट्स मीनिंग इट इज लाइक कि यू आर यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। क्लियर है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में क्या होता है, यू आर यूजिंग द अपोजिट कलर। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर सेम चीज, सपोज दिस दिस ग्रीन इज अ मेन कलर, तो आप क्या करोगे उसके अपोजिट वाला ना यूज कर इसके साइड वाले कलर यूज करते हो, दैट्स कॉल्ड द स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री इज अ कलर एंड द एनालॉगस कलर टू इट कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यूज स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैन गिव यू अ डिजाइन विद अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रास्ट येट स्टिल नॉट एज एक्सट्रीम। कॉम्प्लीमेंट्री विल बी द एक्सट्रीम, क्योंकि बिल्कुल आप अपोजिट यूज कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दिस कलर तो कंट्रास्टिंग इफेक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम कंट्रास्टिंग दिस इफेक्ट, दिस कलर विल ब्रिंग द कंट्रास्टिंग इफेक्ट, बट यू आर नॉट यूजिंग दिस कलर, आप थोड़ा सा लाइटर वर्जन यूज कर रहे हो, सो कंट्रास्टिंग इफेक्ट आएगा, बट नॉट दैट मच कंट्रास्टिंग इफेक्ट विच विल कम ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। क्यों नहीं आएगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? आई थिंक आई मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर कि वाई इट विल हैव द कॉम्प्लीमेंट कंट्रास्टिंग इफेक्ट बट नॉट दैट मच विच वॉज इन कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन ब्लू और यहाँ पर कलर यूज हुए हैं तीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर सेम स्कीम हैज बीन यूज्ड हियर। एनालॉगस कलर, एनालॉगस साइड बाय साइड स्कीम बोला जाता है। द एनालॉग कलर आर दोस कलर विच लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ एनी गिवन कलर, मतलब आप क्या करो, तीन कलर को ऐसे भी उठा लो, दिस आर थ्री कलर्स, उसको यूज करोगे तो विल बिकम द एनालॉगस कलर। ऑफन दीज आर कलर कलर स्कीम फाउंड इन नेचर, जो नेचर होती है, ऐसा ना होती है कि एक रेड कलर हो गया, ये सब हो गया, डिफरेंट शेड्स होती हैं। सो नॉर्मली जो नेचर में पाए जाते हैं एनालॉगस कलर स्कीम ही पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द पैरट, दिस इज
सनकन्योर, द नेम ऑफ दिस पैरेट इज सनकन्योर। मेरे पास ये वाला पैरेट है, विद माई फैमिली इज हैविंग। छोटा बेबी लेके आया था, इट इज लाइक कि वो वैसे ही रहता है साथ में फैमिली के साथ। जो स्टूडेंट्स हैं तो देखते रहते हैं, जब पढ़ाता हूँ तो खेलता रहता है मेरे साथ ही। इट इज़ ए वेनेजुला, इट इज़ फ्रॉम द वेनेजुला। इंडिया का नहीं है, इंडिया के अंदर आप पैट नहीं रख सकते हैं। इंडियन स्पीसीज यू कांट हैव द पैट। इट इज़ अगेंस्ट द WPA एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। जो लोग पैट डालते हैं, जो पैट रखते हैं इंडियन बर्ड्स को, वो इलीगल है। उसके ऊपर आपको फाइन या जेल हो सकती है। ठीक है, सो ऑफन दीज आर द कलर स्कीम फाउंड इन नेचर। तो वहां पर आप देखेंगे इट्स लाइक ऑरेंज है, तो येलो से ये वाला पार्ट आ गया, फिर उसे डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। यूज ऑफ द एनालॉगस कलर यूजली फील हारमोनियस। अब एक होगा ना, कंट्रास्टिंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो कंट्रास्टिंग इफेक्ट नहीं है, लाइक फीलिंग द हारमोनियस है, एक अच्छा सा रिदम है, तो आपको देखने को मिलता है। तो सेम चीज है, आप येलो कलर पकड़ेंगे तो येलो कलर लो, उसके पीछे वाला कलर यूज करो, द नेक्स्ट कलर। इफ यू आर यूजिंग दी येलो ऑरेंज, तो आप येलो कलर और द ऑरेंज कलर यूज कर लो। इफ यू आर यूजिंग ऑरेंज, तो येलो ऑरेंज और येलो रेड। क्लियर? सो दिस कॉल्ड द एनालॉगस कलर स्कीम्स। देखो दिस फोटोग्राफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर है, फिर ऑरेंज कलर भी यूज हुआ है, और यहाँ पर इसके तीन चार कलर यूज हुए हैं, लाइक दी थ्री कलर्स भी यूज। अगर आप इस वाला कलर देखेंगे तो कौन से कलर यूज हुआ है, आई सपोज दिस स्कीम वॉज यूज। क्लियर? ट्राइडिक का मतलब होता है इक्वली स्पेस्ड, 12 कलर्स हैं, तो आप तीन तीन रखोगे तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। इफ यू मेक अ समथिंग एंड द डिग्री विल बी 120 डिग्री, 120, 120 डिग्री। ट्राइड कलर्स आर द थ्री ह्यू, ह्यू मीन्स कलर्स, इक्यू डिस्टेंस मतलब तीनों एक ही सेम डिस्टेंस पर हैं ऑन द कलर व्हील। इफ द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ ए डिजाइन हैज टू बी पावरफुल, आप चाहते हो कलर स्कीम ऐसी हो जो पावरफुल हो, बट इट हैज टू बैलेंस। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो कलर यूज किए हैं दे आर ऑलरेडी बैलेंसिंग, इक्वी डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अ ट्राइड कलर स्कीम इज द वे टू गो, दीज आर टेंड टू बी वेरी ब्राइट एंड डायनामिक। क्लियर? जैसे यहां पर देख, एक डाउट था बोलो। मैं जैसे आपने जो है ट्रेडिक कलर में येलो रेड और ब्लू दिखा, अब एग्जाम में यही इमेज दिखा के पूछा है कौन सी कलर स्कीम है, तो हम प्राइमरी टर्म स्कीम बोलेंगे या ट्रेडिक? नहीं, आपको अगर ये बोला जाता है, अगर तीन कलर हैं तो आपको ऑप्शन मिलेंगे वहां पर। अगर वे आपको प्राइमरी कलर स्कीम बोल रहे हैं तो आप प्राइमरी कलर भी लिखेंगे, उसके अंदर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन से जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज ओनली द प्राइमरी कलर्स, इट हैज हैविंग द ट्राइडिक कलर, तो उसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन इसलिए आते हैं। द वन इमेज कैन बी करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ टू परस्पेक्टिव। अब इतने बेवकूफ हैं सीओए वाले तो पूछ सकते हैं इसमें मैं क्या बोलूंगा, लाइक उसमें साफ साफ लिखा होता है इन यूनिफॉर्म दैट द डिसीजन मेड बाय द सीओ इज बाइंडिंग एंड फाइनल, है ना? तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लाइक इलॉजिकल है ना, तो उस चीज के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है सीओ का, उनकी बस एक गुंडागर्दी समझ लो आप, लाइक दे आर नॉट गिविंग द टाइम पीरियड टू फाइल द केस कि आपको बताओ कि यहाँ पर गलती है। इवन यू सी दी जेई पेपर या कोई भी एग्जाम देखते हो, सो दे विल गिव यू द टाइम पीरियड, लाइक 2 3 दिन। वो मानते हैं कि हमसे गलती हो सकती है, वी ऑल्सो बिलीव कि हमसे भी गलती हो सकती है, हम थोड़ा ही ना कोई भगवान बैठे हैं, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, सो देर माइट बी चांसेस कि हम लोग गलत हो सकते हैं, बट हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ यू आर सेइंग कि सर ये आपने नोट्स बनाए हैं या फिर इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन इट इज रॉन्ग, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चेक करके कि हाँ इट इज रॉन्ग। बट अगर मैं एक्सेप्ट करना ही बंद कर दू, दिस इज द टाइम वेन द प्रॉब्लम स्टार्ट, तो वहां पर कुछ कह नहीं सकते हैं। अब अगर उन्होंने बोला हुआ है तो देखा जाए तो आपके हिसाब से प्राइमरी कलर वाला स्कीम भी सही है, बट हेयर इट इज अ ट्राइडिक कलर स्कीम, तो आपका लक मैटर करेगा या फिर उनके हिसाब से जो भी करेगा, ऐसा नहीं। जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आप, हाँ, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं लॉजिकली यू आर नॉट रॉन्ग एट ऑल, आप प्राइमरी कलर स्कीम भी बोल सकते हैं और उसके अंदर ट्राइडिक कलर स्कीम बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों ही सही है। जो सीओए का बिहेवियर है ना वो बहुत ही गलत है, मैं आपको सही बताऊं। यू कैन बी लाइक यू कैन रिलाई ऑन द जेई दिस टाइम। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यही सोच कर देखो कि थोड़ा सा लॉजिक सोचो। दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। आप कोई से भी एग्जाम देखोगे जो पैसेजेस आते हैं वो लाइक SSC में आते हैं, बैंक में आई थिंक आते हैं, ISPCS में आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज का जो काम पता क्या होता है, पैसेज काम क्या होता है, वाई लाइक दे आर गिविंग दी पैसेजेस?
नॉर्मली पैसेजेस इसलिए दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू होल्ड एन अ गवर्नमेंट पोस्ट, एक सरकारी नौकरी है आपकी, उसमें आपको डिसीजन लेना है, तो आपको साइन करने होंगे. सो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए दैट आफ्टर रीडिंग 8, 10, 12 लाइन्स यू आर एबल टू कंक्लूड कि इसमें क्या कहना चाहता है. इन आर्किटेक्चर देर इज नो यूज ऑफ नोइंग द लैंग्वेज, ना तो इंग्लिश की जरूरत है और ना ही हिंदी की जरूरत है. आर्किटेक्चर का मतलब नहीं है कि क्यों बनाना. और टू लाइक इट इज गिविंग द एक्स्ट्रा एज टू द इंग्लिश स्टूडेंट्स, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स उनको एक्स्ट्रा एज दे रहे हो बिकॉज यू आर गिविंग द क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश, यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम द हिंदी. तो या फिर उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, लाइक आप साउथ इंडिया से हैं तो आप लोगों ने लोकल लैंग्वेज ही पढ़ी होगी, लाइक यू मस्ट नो अबाउट द लोकल लैंग्वेजेस, कन्नड़ा हो गई या फिर तमिल हो गई. सो द पेपर हैज टू बी हिंदी इंग्लिश. इफ यू टुक एनी एग्जाम्पल ऑफ द पैसेजेस दे विल गिव यू द ट्रांसलेशन इन द लोकल लैंग्वेज एज वेल. इंग्लिश का भी होगा तो उसमें हिंदी का भी ट्रांसलेशन रहता है, बट हेयर इट इज डिफरेंट. सो मुझे पता नहीं है कि लाइक कोई द प्रॉब्लम पता क्या है अपने आर्किटेक्चर के अंदर, हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है. लाइक वी आर काइंड ऑफ सेल्फिश पीपल, अपना फायदा ढूंढते हैं, अगर कुछ भी करेंगे तो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे. इट इज अ रियलिटी. कोई प्रोजेक्ट होगा, लाइक एक क्लाइंट है एंड ही बजट 10 लाख रुपीज, आई विल गिव द बेस्ट क्वालिटी. एक मेरा कंपोनेंट जो अपोनेंट होगा वो 5 लाख में करके दिखा देगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट. सो दिस इज द प्रॉब्लम. जब भी आपका यूनिटी नहीं रहेगी तो दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेडिकल, देर इज एमसीआई, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, काफी स्ट्रॉन्ग है वो. अपनी कोई प्रॉब्लम होती है तो स्ट्राइक्स हो जाती हैं. हैव यू एवर सीन द आर्किटेक्ट्स आर हैविंग लाइक हैव द स्ट्राइक और प्रोटेस्ट किया, लोगों ने कुछ भी नहीं किया, पार्लियामेंट को तोड़ा जा रहा है. एक दो आर्किटेक्ट के मैंने आर्टिकल्स देखे इन इवन ओनली इन इंडियन एक्सप्रेस जहां पर वो बात कर रहे हैं, बट एक दो बंदा क्या करेगा. सो दिस इज द रीजन दैट देर इज अ लैक ऑफ यूनिटी इन द आर्किटेक्चर कम्युनिटी, तो इसलिए प्रॉब्लम रहती है. बट ऑल्दो सीओए जो है वो सच में गलत कर रहा है आप लोगों के साथ, स्पेसिफिकली फॉर दिस ट्रेंड. इवन गवर्नमेंट सर्विस का हम समझ सकते हैं, इफ देर इज अ गवर्नमेंट पोस्ट इज टोटली ओके, बट इट इज लाइक वेरी बेसिक एजुकेशन, दे आर नॉट प्रोमोटिंग आर्किटेक्चर एट ऑल. चलो अब आते हैं कलर, स्क्वायर कलर स्कीम. तो यहाँ पर क्या है, लाइक कलर स्क्वायर स्कीम है, यहाँ पर एक कलर यहाँ पर, इट इज ऑल्सो इक्विडिस्टेंस, आप देखेंगे तो दो के बाद यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है. सो द टू पेयर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर आर सेलेक्टेड फूस क्रॉस मेक्स अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री. आप देखोगे क्या बन रहा है, सेम चीज, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. सो फोर कलर यहाँ पर ये कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. Just a second. So mono. Next thing is monotone scheme. Mono का means one and tone means एक कलर के, एक जो कलर है उसके टोन आप यूज कर रहे हो. That's called the monotone color scheme. इट कैन बी क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक. क्रोमो का मतलब क्या होता है, सेम चीज, कलर को बोलते हैं क्रोमा. मोनोटोन क्रोमेटिक कलर स्कीम इज जस्ट वन सिंगल ह्यू. आपने एक कलर पकड़ा, एक नॉर्मल ह्यू पकड़ी है एंड इट वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ टिंट शेड एंड सेचुरेशन. आपने एक कलर पकड़ा है, यू आर एडिंग द व्हाइट, यू आर एडिंग द ब्लैक, यू आर एडिंग द ग्रे कलर, सो आपको टिंट टोन शेड्स मिल जाएंगे. सो आप किसी भी चीज का यूज करते हो दैट्स कॉल्ड द मोनोटोन कलर स्कीम. हाउएवर इन मोस्ट केसेस, अगेन दे आर यूजिंग वेरी लाइट वर्ड मोस्ट केसेज, दे आर नॉट सेइंग ऑल केसेज. मोर एवर इन मोस्ट केसेज यूजिंग अ फुली मोनोक्रोमेटिक स्कीम हैज अ रिस्क ऑफ मोनोटोनी. आप सेम कलर यूज करो डिफरेंट शेड्स तो क्या होगा, आपको एक मोनोटोनी से लगेगी कि यार सब जगह येलो येलो कलर कर रखा है. दे हैव यूज अ डिफरेंट शेड्स बट अगेन द सेम थिंग. हाउएवर इन द मोस्ट केसेज यूजिंग ए फुली मोनोक्रोमेटिक स्कीम हैज अ रिस्क ऑफ मोनोटोनी. यूजिंग इट विथ प्योर व्हाइट और ब्लैक कैन बी एफिशियंट. आप मोनोटोन को यूज करना चाहते हो सो इट इज रिकमेंडेबल टू यूज ब्लैक एंड व्हाइट कलर एज वेल. ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर आप यूज करोगे साथ में तब थोड़ा अच्छा लगेगा. सोच के देखो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको ये कलर मिलते हैं हर जगह, ये वाला कलर, आप बोर हो जाओगे. सेम कलर यूज कर रखा है डिफरेंट शेड्स, ठीक है. अब आता है देखो एक्रोमेटिक का मतलब होता है नो कलर. ए मीन्स नो होता है ना, जैसे कि नो. क्रोम मीन्स कलर, नो कलर. तो यहां पर हमने देखा ब्लू, सॉरी इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट एंड द ग्रे. सो दीज आर कंसिडर एज अ नो कलर. व्हाइट, ब्लैक एंड द ग्रे, दे आर डोंट कंसिडर एज अ कलर. दैट्स कॉल्ड द एक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक, आपने एक कलर लिया है और उस कलर के डिफरेंट शेड्स यू आर यूजिंग, दैट्स कॉल्ड द मोनोक्रोमेटिक. सो क्रोमेटिक मीन्स यूजिंग द डिफरेंट कलर्स.
ग्रीन येलो रेड ब्लू आपने यूज कर दिया हैविंग कलर्स। यहाँ पर क्या है, दिस इज अगेन मोनोक्रोमेटिक, सेम कलर इज यूज बाई डिफरेंट शेड्स। मोनोटोन जो क्रोमेटिक कलर स्कीम इज जस्ट वन सिंगल ह्यू एंड इट्स वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टेंट शेड एंड सेचुरेशन। हाउएवर इन मोस्ट केसेस यूजिंग ए फुली मोनोक्रोमेटिक हैज अ रिस्क ऑफ मोनोटोनी, यूजिंग इट विथ प्योर व्हाइट और ब्लैक कैन बी एफिशिएंट। प्रथमेश बताया तो मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट डोंट कंसिडर टू बी डेफिनेशन द कलर। आप बोल सकते हो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि सफेद कलर दे दो, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, बट इट इज नॉट कलर एट ऑल। इनको हम कलर नहीं मानते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड प्रथमेश? ठीक है, सो मोनोटोन क्रोमेटिक कलर स्कीम इज जस्ट वन सिंगल ह्यू एंड वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टिंट शेड एंड सैचुरेशन। हाउएवर इन मोस्ट केसेस यूजिंग ए फुली मोनोक्रोमेटिक हैज अ रिस्क ऑफ मोनोटोनी, यूजिंग इट विथ प्योर व्हाइट और ब्लैक कैन बी एफिशिएंट। तो वाली बात बताई गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक क्या है, इस कलर के डिफरेंट शेड्स यूज किए गए हैं। यहाँ पर क्या है, कौन कौन से देखो ना, ये डिफरेंट शेड्स यूज किए गए, यहाँ पर डिफरेंट शेड्स यूज किए गए दिस इमेजेस। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, ऑल दो करना तो बहुत कुछ था लेकिन इतना टाइम नहीं हमारे पास और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप लोग ओवर हो जाए। एक कलर साइकोलॉजी होती है। कलर साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ ए कलर ऑन अवर साइकोलॉजी, दैट्स कॉल्ड द कलर साइकोलॉजी। आपका ब्रेकअप हुआ, लाइक यू गॉट ब्रेकअप और आपको एक बंद से कमरे में लेकर चला जाए तो क्या होगा, आप यू विल डायरेक्टली गो टू द कोमा। आपको स्ट्रेस है और आपको डल कलर में लेकर जाओगे तो आपका जो स्ट्रेस होगा बढ़ जाएगा। यू आर फीलिंग बैड एंड आई आस्क यू कि चलो एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं और जस्ट हैव लाइक गो इन द हिल्स। अब क्या होगा, एक अच्छा फील होगा। What is it? कलर साइकोलॉजी, कलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालते हैं हम लोग। सो कलर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यू, मतलब कलर, एज ए डिटरमाइन ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर। कलर इन्फ्लुएंसेस परसेप्शंस, जो कलर होता है अपने परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, दैट आर नॉट ऑब्वियस सच एज अ टेस्ट ऑफ फूड। कलर हैव क्वालिटीज दैट कैन कॉज सर्टेन इमोशंस इन पीपल। आपको पता है जो लिक्वर की जो बॉटल्स आती हैं उनके ऊपर कलर साइकोलॉजी बहुत यूज की जाती है, लाइक विच टाइप ऑफ द कलर हैज टू बी देयर, जिससे लोग मोटिवेट होते हैं पीने के लिए। उनके पूरे के पूरे जो बोतल के जो साइज होता है ना, जब द डिजाइन ऑफ द बोतल, वो भी साइकोलॉजी प्ले की जाती है, क्योंकि उनको पता है अगर बोतल देखने में अच्छी होगी तो पीपल विल बाय इट, कलर अच्छा होगा तो पीपल विल बाय इट, नॉट बाय इट एक्चुअली दे विल वेस्ट द मनी। कलर इज एन एसेंशियल टूल बिकॉज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन हाउ वी थिंक। ये एक इम्पैक्ट डालता है कि हम सोचे मजबूर करता है एंड बिहेव, उस तरह से बिहेव भी करते हैं। ऐसा समझो कि यू आर क्वाइट एंग्री और आपको लाल रंग का एक रूम में डाल दिया गया तो क्या होगा, यू विल फील मोर एंग्री, है ना, आपको काम करने की जरूरत है तो यू विल से कि ग्रीन कलर, ब्लू कलर में जाकर आपको बिठाया जाता है इन चीजों के लिए। कलर डायरेक्ट्स अवर आई वर्क टू लुक, जो कलर होते हैं हमारी आंखों को मोटिवेट करते हैं कौन से पार्टों को देखना है, वॉट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू इंटरप्ट समथिंग, कैसे आपको इंटरप्रेट करना है। इट पुट्स कंटेंट इनटू कॉन्टेक्स्ट, इट हेल्प्स अस डिसाइड व्हाट्स इंपॉर्टेंट व्हाट्स नॉट। नॉर्मली जो ब्राइट कलर होते हैं हमारी जो आईज होती हैं, दे हैव द मोर फोकस ऑन द ब्राइट कलर्स, तो नॉर्मली जो डल कलर्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। दैट प्रिसाइजली वाई एज अ कंटेंट मार्केटर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कलर मीन्स टू द पीपल। अगर आपके कंटेंट मार्केटर हैं, आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और बिकम आर्किटेक्ट, तो आपको समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज वन क्लाइंट कम टू यू एंड इट इज हैविंग द ओल्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो वहां पर आप ब्राइट कलर यूज कैसे करोगे, यू विल नॉट यूज ब्राइट कलर्स। या फिर आप ऐसा समझो कि वहां पर दो तीन छोटे बच्चे हैं और आप डल कलर डाल दोगे तो दे विल नॉट बी क्रिएटिव, तो उनके रूम के अंदर यू हैव टू यूज ब्राइट कलर, येलो, ऑरेंज, पर्पल, समथिंग कलर। So it helps us to decide what's important, what's not. This precisely way, as a content marketer, you need to understand what colors means to you. While color psychology has been studied and analyzed over time, the psychological impact of the color is still moderately subjective. Subjective means it can, for example, I like pizza, suppose. Pizza kisi ke liye bahut acha ho sakta hai, kisi ke liye kharab ho sakta hai. So it's subjective. Matlab, subject ke upar depend karta hai, usko kaisa perceive karta hai. Hum ye nahi keh sakte ki pizza is very tasty or pizza is something, no, depend करता है।
इट इज नॉट द मैथमेटिकल इक्वेशंस और फिजिक्स इक्वेशंस नहीं है कि ए प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आपके लिए मेरे लिए सभी के लिए सेम है। वो क्या होता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए आपसे बोला था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन एक है एक ही आंसर है उसका, दैट्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव के अंदर यू हैव टू राइट इन द पैसेजेस, एक आपको पहले लाइन में लिखना पड़ता है क्योंकि इट विल बी वॉट कलर शुड बी पेंट इन द वॉल ऑफ फॉर स्टूडेंट्स लाइक आर्किटेक्ट्स। यार वही तो मैं समझा रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, है ना। कलर साइकोलॉजी बताया तो है, इट इज स्टिल मॉडरेटली सब्जेक्टिव, ये हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है, वी कैन नॉट जनरलाइज इट। नॉर्मल बोल सकते हैं कि इट शुड बी लाइक द ब्राइट कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर हैज टू बी देयर सो दैट इट विल इनहेंस द क्रिएटिविटी, लेकिन वो नहीं करता है ना, इसके अंदर सबका अलग अलग हो सकता है, लिखा तो है द इम्पैक्ट ऑफ द कलर इज स्टिल मॉडरेटेड। और अगर इतना आसान होता फिर वाई वी आर यूजिंग हैव द व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग द आर्किटेक्ट्स, है ना, उसे कोई जरूरत नहीं। मोस्ट ड्यूरेबल पेंट, ये मुझे नहीं पता, ये मोस्ट ऑफ वाली सी फालतू चीजें होती हैं, ये कुछ नहीं, ठीक है। वी डोंट ऑल रिएक्ट द सेम वे टू कलर एज वी ऑल हैव द प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द कलर फॉर द सिग्निफिकेंट इवेंट कलर्स, सो हम सेम कलर को बिहेव नहीं करते हैं, वी डोंट बिहेव इक्वली विद द सेम कलर, व्हाई, बिकॉज वी आर हैविंग द सम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस विद सिग्निफिकेंट इवेंट कल्चर, हमारे जो इवेंट्स रहते हैं उनके हिसाब से। यूरोपियंस लोग दे वॉन्ट टू कम टू इंडिया टू जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस ऑफ ब्राइट कलर, यूरोपियन सिटीज आर वेरी डल। कल्चरल, हमारा कल्चर क्या है, इन हिंदुज्म कलर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक होली होती है ये काम करते हैं। पीपल एंड मेमोरीज, आपकी मेमोरीज उससे कैसे रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन रिलेशनशिप एंड योर गर्लफ्रेंड लाइक ब्लैक कलर, आपको उससे नफरत हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है कि इफ माई गर्लफ्रेंड वॉज लाइक येलो कलर एंड आई डोंट लाइक इट, ऐसा नॉर्मली, तो इट इज रिलेटेड फॉर योर पास्ट मेमोरीज। हाउएवर देर आर अ फ्यू जनरलिटीज अबाउट हाउ पीपल रेस्पॉन्ड टू कलर एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू लुक एट इट, और इसीलिए आपको जरूरत होती है आर्किटेक्ट की, है ना। डॉक्टर की जरूरत क्या होती है, आप ऐसा नहीं कर सकते फॉर्मुला फ्लाई बना सकते हो कि उसके चेस्ट में पेन है, उसके गले में पेन है, देन यू विल गिव द सेम मेडिसिन, नो, दैट्स वाई द डॉक्टर विल यूज हिज डिस्क्रिप्शन पावर, उसका जो पढ़ाई करी है उसने। आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इट इज केस ऑफ 2013 के आसपास की बात है, और आई थिंक आप लोग इतने समझदार हैं, मैच्योर हैं, आप समझ सकते हैं इस केस को कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। देर वॉज अ गर्ल एंड सी वॉज रेप इन 2012-13, और जब उसका सेक्सुअल असोल्ट हुआ था, द एवरीथिंग लाइक जो बेडशीट थी और द कलर वॉज ऑफ द वाइट कलर, वाइट कलर कंसिडर्ड एज अ कलर ऑफ पीस, लेकिन वो लड़की को जो ट्रोमा इतना बड़ा हुआ कि वो वाइट कलर को टॉलरेट ही नहीं कर पाती थी, शी कुड नॉट टॉलरेट द वाइट कलर। व्हेन सी केम होम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट वॉज डिसाइडेड, उनको बताया गया कि दिस गर्ल वॉज हैविंग द प्रॉब्लम द वाइट कलर एंड द कॉरिडोर फ्रॉम द इमिग्रेशन इट वॉज ऑफ द वाइट कलर। और जब वो लड़की आई तो सी लॉस्ट हिज कंट्रोल, हर कंट्रोल, पैनिक होने लगी उन चीज़ों के लिए। सो दिस इज द रिलेटेड कि आपकी जो कलर साइकोलॉजी होती है, मेमोरी से कैसे रिलेटेड होती है। दिस टाइम वॉज इन न्यूज बिकॉज देर वॉज अ मरक्केश स्टेटी वॉज साइन, पढ़ लेना उसके बारे में, ठीक है। इसलिए आपको करंट अफेयर न्यूज पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं सीख सकते हो बाय रीडिंग जस्ट दीज नोट्स और बाय रीडिंग सम कपल ऑफ द बुक्स, आपको अपने आप को एक्टिव रहना पड़ेगा। और आपको सही बताऊं, वी ऑल आर सेड्यूस्ड बाय अवर कंफर्ट जोन, वी बिलीव कि 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे तक पढ़ाई नहीं हो सकती है। यू हैव नो आइडिया कि आपका ह्यूमन जो माइंड है ना कितना पावरफुल है। आपने गाड़ी देखी फॉर्चूनर, कितना बड़ा इंजन होता है, इट इज ऑल कंट्रोल बाय जस्ट अ जॉयस्टिक, एक तरह से है ना, स्टीयरिंग से कंट्रोल रहता है, दिस इज पावर ऑफ द मैन। एक इतना बड़ा हाथी आपके इशारे पर काम करता है, हम अपने आप को समझ नहीं पाते। यू कैन स्टडी मोर देन 16 आवर्स, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 16 घंटे पढ़ने के बाद यू विल नॉट गेट बोर्ड, थकोगे भी नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एजुकेशन, बस आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, पढ़ाने वाला आना चाहिए, और आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि कैसा करना है। अवर माइंड इज लाइक वी ऑल आर ऑल सेड्यूस्ड बाय द कंफर्ट जोन, कि यार कौन पढ़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। बट वेन यू जस्ट लीव दिस फीलिंग, लाइक यू ओवरकम दिस फीलिंग, देन यू विल रियलाइज दैट यू आर एबल टू क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में जादू कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं ना मैजिशियंस आते हैं कि सारा गायब, विद इन 1 month यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ। बस करना क्या होगा, डिसेबल यार योर इंस्टाग्राम उस्टाग्राम, जो ही फालतू के टेम्पररी रिलेशनशिप होते हैं, जस्ट लीव इट एंड वर्क फॉर योर परमानेंट थिंग। पढ़ाई मेहनत करो, यू स्टिल हैव द मोर देन 1 month फॉर द नाटक। अगर आप पढ़ना बैठोगे आज से तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए जा सकते हैं। बस प्रॉब्लम वही होती है कि वी ऑलवेज स्टेक ऑन द सेल फोन, ईजी रास्ता ढूंढते हैं,
कहीं से नोट्स मिल जाएं, ये काम कर दें। वी कैन पिकअप कार एंड बिल्डर्स बट अवर स्ट्रेंथ इज लिमिटेड टू अवर ब्रेन। यस इट इज ऑल रिटेड फॉर दर ब्रेन, ब्रेन की अनलिमिटेड है। स्वामी विवेकानंद का कोट क्या है, यूनिवर्स लाइज इन विद इन, लाइज इन यू, ब्रह्मांड आपके अंदर पलता है, आप कुछ भी कर सकते हो। बिफोर 16th सेंचुरी इट वॉज इम्पॉसिबल टू फ्लाई एंड इट वॉज द लियोनार्डो दा विंची जिसने स्केच बनाया था, इट ऑल दो स्केच वॉज नॉट राइट, उड़ ही नहीं सकते थे, उसने साइकिल वाला सिस्टम बनाया था कि उठा ऊपर लेकर चला जाएगा, लेकिन 200 साल लगे राइट ब्रदर्स को टू मेक द फर्स्ट प्लेन, और आज ह्यूमन हम लोग कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। वी आर वर्किंग ऑन द हाइपर लूप दिस टाइम, वी आर वर्किंग ऑन दी कि अब मार्स पर जाकर कॉलोनीज बसाएंगे। सो डिपेंड करता है आपकी जो एज है, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, डोंट क्रिटिसाइज समवन, और निगेटिव फीलिंग मत लेकर आओ अपने अंदर कि मेरा माइंड याद नहीं कर पाता है। यू आर फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गुड इन रिपोर्ट राइटिंग, आप मुझसे बोलोगे ना लिखने के लिए तो मुझे नहीं आता है लिखना, यू नो व्हाई आई एम नॉट गुड इन रिपोर्ट राइटिंग, बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड इट, अगर मैं ट्राई किया होता तो बहुत अच्छी लिख पाता हूँ। आप पढ़ाई में अच्छे इसलिए नहीं हो या आपके नंबर कम इसलिए आते हैं बिकॉज यू हैव नेवर पुट 100% इन योर स्टडीज, आप बोर हो जाते हो, भाग जाते हो, आपका मन करता है कि 10 मिनट पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया मोबाइल फोन को चेक करने का, दिस इज ऑल्सो सिंड्रोम। डू वन थिंग, स्विच ऑफ योर सेल फोन फॉर टूडे दैट विद इन लाइक फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आई विल नॉट पिक अप माई फोन। आप अगर आप छोटा सा लाइफ में काम नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में क्या काम करोगे? ठीक है, दिस सॉल्यूशन आर लाइक वेरी, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट, लेकिन एक बार चेंज आना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बताने की। और आपको सही बताऊं, यू आर हैविंग जस्ट 4 to 5 years, अपन आप ग्रेजुएशन करोगे कहीं से भी कर लोगे, जब ग्रेजुएशन करने के बाद जब कॉलेज में से निकलोगे, जब वेन यू कम टू द मार्केट, तब आपको रियलाइज होगा, तब आपको पे मिलेगी आपने जो पिछले 5 साल मेहनत की है, दैट टाइम यू विल रियलाइज इट कि शायद मैं उस टाइम पीरियड में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाता, इफ आई टेक एन एडमिशन गुड कॉलेज, सो आई माइट बी ऑन डिफरेंट पोजिशन, नॉलेज आपको हो जाती। 5 साल खराब करने के बाद, आफ्टर वेस्टिंग 4 to 5 years इन इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल, पीपल रियलाइज इट एंड दे ऑलवेज फील रिग्रेट। ठीक है, सो लिमिटेशन इज ऑल इन योर माइंड। चलो कब आते हैं कलर साइकोलॉजी के ऊपर। सो दीज आर दी कलर्स, पिंक क्या करता है, रेड कलर, ऑरेंज, येलो, आपको नेट से बहुत इजीली मिल जाएगा ये सब चीजें, तो अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, वैसे आपने ले लिए होंगे मुझे पता है। सो पर्पल, ब्लू, ग्रीन, टॉर्टोइस, टर्कोइस, ऑरेंज, ये सब कलर की साइकोलॉजी क्या होती है। बाकी दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर अस, कलर इल्यूजन वगैरह हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, दूसरी क्लास का भी ध्यान रखना है और थोड़ा ऑफिस का काम सेटअप करना है। सो रेड इज अ वेरी, रेड कलर क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं, वेरी पावरफुल डायनेमिक कलर दैट रिफ्लेक्ट अवर फिजिकल नीड्स वेदर टू शो इफेक्शन और लव, होता है लाल रंग बनाकर देते हैं टू पोर्ट्रे टेरर, फियर एंड सर्वाइवल। रेड इज ऑल्सो वेरी एनर्जेटिक कलर दैट कैन बी पोर्ट्रेट फ्रेंडलीनेस एंड स्ट्रेंथ बट कैन ऑल्सो बी डिमांडिंग एंड सो एग्रेशन, डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट। ओवरऑल देर वॉज अ पर्सन, उसने क्या किया, किसी को लव लेटर लिखा अपने ब्लड से निकाल के, मतलब खून से निकाल के, उसने कुछ दिखा रखा था कि मैं करो लिख रहा हूँ, मतलब आई हैव नो आइडिया कि लोग कहाँ से चीज़ लेकर आते हैं, इतनी क्रिएटिविटी कैसा होती है इनके अंदर, ये नहीं सोचते हैं कि उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लाइक कोई बंदा बोलेगा पागल है यार साइकी से दूर रहो। सो लाल कलर का मतलब आपके इमोशन से भी होता है, लाइक किसी को पसंद करते हो तो रेड कलर अच्छा लगेगा, और एग्रेशन दिखाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है ना, जैसे आपके मुहावरे होंगे कि गुस्से में लाल पीला हो गया, लाल का मतलब सेम चीज एग्रेशन। ओवरऑल इफ यू आर लुकिंग टू हैव अ रियल पावरफुल प्रेजेंस ऑफ और गेट समवन्स अटेंशन फास्ट, रेड इज योर गो टू कलर। जस्ट रिमेंबर टू यूज इट स्प्रिंगली टू अवॉइड द एक्सट्रीम नेगेटिव रिएक्शन, इट कैन बी इजिली अराउंड 60%, आई थिंक 50-60% और भी रहता है, 80 slides हैं तो वी हैव जस्ट रीड 32 slides। बेसिक चीजें, इट इज नॉट अ फुल फ्लैग कॉम्प्रेशन प्लान, सो जितना हम लोगों ने डिस्कस करना था वी हैव डिस्कस इट। ऑरेंज कलर के बारे में बात करें, उसके अंदर इल्यूजन्स आते हैं, बिजोल्ड रिजोल्ड इफेक्ट, ये करेंगे छोड़ो। ऑरेंज हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल मीनिंग एज इट कंबाइंस रेड पावर एंड एनर्जी विद येलोस फ्रेंडलीनेस एंड फन, द मिक्स मेक ऑरेंज इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल कंफर्ट इन वार्मथ एंड फूड एंड शेल्टर, इट इवन स्टिमुलेट अवर एपिटाइट, सो वॉच आउट इफ यू आर हंग्री। ठीक है, ऑरेंज इज ऑल्सो नोन फॉर इज अ कलर ऑफ मोटिवेशन, lends to the positive attitude, general enthusiasm for life, overall orange is a great for the bringing comfort in a tough time
एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ फन एंड फ्रीडम इन योर विजुअल्स। बाकी मैंने यहाँ पर तो खैर आपकी जरूरत नहीं है, तो फालतू की चीजें हैं। यस सो हम बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे डियर। येलो इज द एपिटोम ऑफ द जॉय, चेयरफुल। अब येलो के बारे में बात करें, हैप्पीनेस के लिए होता है, जॉय के लिए होता है, चेयरफुल होता है, ऑप्टिमिज्म, यू नेम इट, लाइक एनीथिंग हैप्पी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज येलो। द वेवलेंथ ऑफ द येलो इज पर्टिकुलर लॉन्ग, मेकिंग इट हैव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल मीनिंग, वाइल ऑल्सो बींग द एरियस कलर टू विजिबल। ये बोला जाता है जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, येलो कलर पर ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। सो वेन एवर यू नीड टू लिफ्ट समवन स्पिरिट, इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस और प्रोवाइड इंस्पिरेशन, यूज येलो। हाउएवर अवॉइड यूजिंग येलो टू मच, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। इट इज ऑल्सो नोन टू मेक अस मोर क्रिटिकल, कॉजिंग सेल्फ एस्टीम इश्यूज, फियर और एंजाइटी। फाइंड द राइट बैलेंस ऑफ येलो और द मोटिवेट रादर देन ब्रिंग अदर। ग्रीन कलर, ग्रीन इज अ कलर ऑफ द बैलेंस एंड हार्मनी। इट लेंट अस अ क्लियर सेंस ऑफ राइट फ्रॉम द रॉन्ग रॉन्ग, सिंस ग्रीन इनकॉर्पोरेट्स अ बैलेंस ऑफ द बॉडी, लॉजिकल एंड इमोशनल। ग्रीन इज वन ऑफ द मोस्ट सीन कलर इन द नेचर, आपकी लाइफ हो, रेस्ट हो, पीस हो। इट इज ऑल्सो साइन ऑफ द ग्रोथ, वेदर देर इज इन अ फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक प्लांट्स, इन योर योर इनकम एंड द वेल्थ। ओवरऑल इफ यू आर लुकिंग टू पोर्ट्रे हेल्थ, रेस्ट एंड रिलीफ स्ट्रेस, ग्रीन इज योर कलर। जो आप श्रेया, यू हैव टू अटेंड फॉर द सेकंड क्लास, मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा फिर। जो आपकी दूसरी क्लास होगी उसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ ये चीज बात करेंगे कि जो जनरल क्वेश्चन हैं आपके, तो उसके अंदर बताऊंगा कि टेस्ट क्या होगा। टेस्ट आपको लिंक मिलेगा आपकी उस पर मेल आईडी पर, या ग्रुप में आई विल शेयर दिस लिंक, क्योंकि आप एक ग्रुप पर हैं। तो आपका जो टेस्ट होगा आज शाम से, आज से या फिर कल से, वी विल डिसाइड इट। आपको 48 आवर्स मिलेंगे, एंड विद इन 48 आवर्स आपको खुद करना पड़ेगा। दो सेक्शंस होंगे, मैं उसको बताऊंगा वैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन चलो फिर आपको बता देता हूँ। इट इज गोइंग टू बी टू सेक्शन, इट इज गोइंग टू बी टू सेक्शंस, जिसके अंदर टाइम जो लिमिट होती है, लाइक कि 30 सेकंड के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। लाइक यू विल हैव द चांस टू गो बैक। मैं आपको सही बताऊँ, आप हैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यू कैन प्ले विद इट कि पीछे जाकर नंबर कर दो, बट वी डोंट एक्सप्लोर द नंबर। किसको बताते हैं नंबर, ये आप ही का नुकसान है। हमने टाइम लिमिट नहीं लगा रखी है जानबूझकर, बिकॉज देर वॉज सम प्रॉब्लम, सम स्टूडेंट्स विच आर हैविंग द प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट साइड, तो उनका इंटरनेट कम आता है, तो उनकी 30 सेकंड आने से द इमेज विल ओपन एंड द 30 सेकंड विल बी एंडेड। तो 30 सेकंड का जो आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपका टाइम पीरियड नहीं होगा, 3 घंटे के अंदर आपको खुद सॉल्व करना है। सो द सेक्शन टू जो है, लाइक जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, आपको ऑब्जर्व करना है फॉर द 15-20 सेकंड, वॉट एवर योर टाइम यू नीड, और आपको वो काम करना है। टेस्ट विल इंक्लूड पीसीएम क्वेश्चंस, नॉर्मली सेम पैटर्न पर है जो आपने एग्जाम में दिया है, जो आपने नाटक को दिया, सेम पैटर्न, सेम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ब्लू, माय फेवरेट कलर। ब्लू इज नोन फॉर इज ट्रस्ट एंड डिपेंडेबिलिटी, तो ये ट्रस्ट को दिखाता है, डिपेंडेंटेबिलिटी को, कि आप डिपेंड हो सकते हैं किसी के ऊपर। डिपेंड का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, एज अ पॉजिटिव सेंस। इट इज लाइबल, रेस्पॉन्सिबल एंड मेंटली सूदिंग। फॉर दैट रीजन अलोन इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक कलर अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड, और सबसे पसंद भी किया जाता है। अनलाइक रेड, ब्लू लैंड्स अ मोर मेंटल रिएक्शन रादर देन फिजिकल, दैट अलाउ अस टू डिस्ट्रेस, काम डाउन। यस अनुराग, ओके सेम, हाई फाइव। काम डाउन एंड थिंक ऑफ द मोस्ट आइडियल सिचुएशंस। अनफॉर्चुनेटली इज ऑल्सो वन ऑफ द लास्ट कलर टू बी सीन एंड कैन बी परसीव एज डिस्टेंट, कूल एंड अनफ्रेंडली इन इफ इट यूज इन ग्रेट अमाउंट। तो अगर आप ज्यादा यूज करोगे ना, तो इतना अनफ्रेंडली भी हो सकता है, और ये सबसे लास्ट में दिखाई देता है ब्लू कलर। Overall, blue is a well-linked color that can bring a sense of the calmness and trust when building relationship, especially in the marketing. So, blue color आपका ये हो गया। फिर आता है purple color. Purple is most commonly known for its imagination and the spirituality. It possesses the energy and the power of red, with the stability and reliability. The blue, so ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। Pink is a softer, less intense version of the red that creates a sense of the compassion and unconditional love. While it is a very physical color, it's soothing rather than stimulate. Pink color to वैसे भी। I recognized every person nearly 40%. Yes, मैं दिखा सकता हूँ इसमें, like blue का, ठीक है blue, आप ये सब समझ गए। Yellow लो आपको मैंने बता दिया है। ये भी चीज़ है कि अगर आपको देखना हो कितने लोग करते हैं, so this is thing.
लोग बोलते हैं कि सर ट्रस्ट का तो ये ब्लू कलर होना चाहिए था, व्हाइट कलर होना चाहिए था, इट इज नॉट लाइक दिस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ट्रस्ट मोस्ट चूज द कलर ब्लू। सो अगर आप देखेंगे अगर ट्रस्ट के लिए तो 34% चूज द ब्लू एंड 20% चूज द व्हाइट एंड 11% चूज द इलेवन ग्रीन। सिक्योरिटी 20% चूज द ब्लू, 16% ब्लैक एंड 12% ग्रीन। स्पीड के लिए रेड वॉज ओवरवेलमिंग फॉर द फेवरेट 76। इफ यू वॉन्ट टू शो द रेड और द स्पीड और द मूवमेंट और द डायनेमिज्म इट इज लाइक 76% यू हैव पीपल दे एक्सेप्ट एज अ रेड कलर। चीपनेस के लिए कोई ऑरेंज को दिखाया जाता है, येलो को एंड ब्लू को। हाई क्वालिटी ब्लैक वॉज अ क्लियर विनर, मतलब एक हाई क्वालिटी होती है ब्लैक कलर का आईफोन लाइक दिस थिंग, सो इट शोज की हाई क्वालिटी। सो 43% चूज ब्लू एंड द ब्लू ब्लैक एंड द 20% चूज द ब्लू कलर। हाई टेक दिस वॉज ऑलमोस्ट इवनली स्प्लिटेड विद ब्लैक द टॉप चॉइस एंड द ब्लू एंड द ग्रे सेकेंड एंड थर्ड। रिलायबिलिटी ब्लू वॉज अ टॉप चॉइस अगर आप बात करेंगे तो देखा जाए तो नॉर्मली ब्लू कलर जो है ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। करेज के लिए पर्पल यूज किया गया देन रेड एंड देन फाइनली ब्लू। सो यहाँ पर आप देखेंगे फियर टेरर के लिए रेड कलर को यूज किया जाता है और ब्लैक कलर को, तो आप समझ सकते हैं लाल और काला जो हम लोग सोचते हैं कि इट इज रेडी फॉर द स्पीड और फॉर द लग्जरी इट इज ऑल्सो हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट फियर एंड टेरर। फन के लिए ऑरेंज येलो और पर्पल। ठीक है सो ये कुछ आता है तो वैसे मैंने यहाँ पर लो प्रोटीन लिखा था नोट्स में क्योंकि इतना जरूरी नहीं है। लाइक जो हमने नोट्स बनाए थे इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिंग कि जो इंपॉर्टेंट चीजें वी हाइलाइटेड उनको साइज बड़ा छोटा किया गया, वी यूज द कलर सो दैट कि आप लोग के पास मिल सके। सो जो भी था इतना ही था कलर थ्योरी से रिलेटेड। आई होप आपको थोड़ा समझ में लाया होगा और आप भी थोड़ा समझ सकते हैं कि देर इज अ लिमिटेशन फ्रॉम अवर साइड कि हम लोग 2 घंटे या 1.5 घंटे की डिस्कशन के अंदर सेम चीज डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जल्दबाजी में डिस्कस करेंगे तो हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, तो इसलिए वो नहीं है। अगर कभी मौका मिला इफ यू गॉट अ टाइम अगर मुझे मौका मिला तो वी विल डेफिनेटली कम ऑन। वी आर थिंकिंग कि आई एम थिंकिंग कि वी कैन हैव एन लाइव स्ट्रीम, वहाँ पर शायद कुछ ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दिस सिलेबस ऑफ द कलर थ्योरी इज ओवर, कलर थ्योरी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे बट इट्स प्रैक्टिकल और द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क, है ना। तो कलर थ्योरी वैसे बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कलर थ्योरी कैसा नहीं हुआ है तो दिस इज लाइक दिस। जो दूसरा डिस्कशन होगा 12 बजे का है, बेसिक डिस्कस करेंगे कुछ नया नया डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोगों को बस समझना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चंस वगैरह जो भी होंगे और ये लास्ट क्लास होगी हमारी जो इंटरेक्शन की। यस उमा महेश थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। मोनोक्रोमेटिक सेम को पेंसिल कलर से कैसे करेंगे यार, देख लेना कलर वलर आते तो हैं ब्लैक एंड व्हाइट में करते रहो। सर यू कैन पेस वाई दी क्रिस्पनिंग इफेक्ट, मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में क्रिस्पनिंग इफेक्ट किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, मैंने अपने नोट्स में ये नहीं देखा है। सो मे बी आपको शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर इफ आई रिमेंबर तो आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। सो ऋषिकेश आई वांट टू मीट यू, यस डेफिनेटली यू कैन कम दिल्ली में आ सकते हो आप, या फिर हो सकता है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप आर्किट ट्रैवल, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं पूरे इंडिया कवर करने वाला हूँ। इट विल टेक 5 या 10 ईयर्स। सो यार बताए तो यशस्वी कि टील क्या है, एक कलर होता है, इट इज अ मिक्सर कलर, सर्च कर गूगल पर जाकर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, किसी बच्चे ने बताया भी था। सर इज इट कलर और कलर्स दोनों का सेम चीज है, यूके और यूएसए की डिफरेंट डिक्शनरीज के हिसाब से। सो कहीं पर सी ओ एल ओ आर भी यूज करते हैं और सी ओ एल ओ यू आर भी यूज करते हैं, यू आर राइट, है ना। सर ने यूट्यूब पे समझाया है क्रिस्पिनिंग एंड अदर इफेक्ट, हाँ तो मैंने उस टाइम पर समझाया होगा, मैंने वही बताया ना कि लाइक वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपको टीचर्स बीच में नहीं पढ़ा सकता। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, मैं कभी ऐसे डिस्कस नहीं करता हूँ कि लाइक कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा और रुचि बता दिया। मेरे वीडियोस हमेशा लंबी आती हैं, बड़ी आती हैं, डिटेल में आती हैं। मैं कभी भी लाइक्स व्यूज का उसके लिए डिस्कस नहीं करता हूँ कि ज्यादा को आए, इसलिए मेरे जो हॉट टॉपिक वीडियोज नहीं आती है। लोग क्या करते हैं विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स हाफ एन आवर वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसको समझ के एक डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो ब्लू प्लस ग्रीन टेल कलर मिलता है जो प्रवीण बता रही है, है ना, बता रहे हैं तो देख लेना। थैंक यू सो मच। शायद व्लॉग करने वाले हैं सर इंडिया में, हाँ कुछ इस तरह का ही है व्लॉगिंग बट डिफरेंट, वो अलग है, अभी सोच रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों के लिए करेंगे। आगे ट्रैवल लाइक वही है यार कि मैं ट्रैवलिंग पसंद करता हूँ, तो मैंने बताया था ना लाइफ में कुछ काम ऐसा नहीं करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं आता है, चाहे मेरी जॉब हो। मैंने ऐसा भी जॉब रिजाइन किया है जहाँ पर मैंने 28 दिन काम किया है बट 2 दिन के लिए मैंने पूरी पेमेंट छोड़ दी। सबसे ऊपर
मेरी खुद की ईगो आती है, मेरे खुद का कंफर्ट आता है, मेरी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट आती है, तो मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। अगर पैसे के लिए काम करना होता तो मैं आपसे 250 रुपये मांगता। और वी हैव अराउंड वी हैव अच्छा ये बता देता हूँ आपको, मैं अराउंड वी हैव एबल टू गेट अराउंड 40,000 रुपीज़। तो आपको डिटेल मिल जाएंगे एक दिन के अंदर, इसमें कुछ हाइड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता 250 रुपये के लिए पैसे भी रख लेता मैं, सो इसके अंदर मैं कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ। एंड वी विल टॉक टू यू, आपके सब सजेशन लेना चाहते हैं कि कहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि जहाँ कुछ भी कर रहे हैं, इट शुड बी लाइक हैव द इम्पैक्टफुल ऑन द स्टूडेंट्स। सो यस भक्ति, थैंक यू। सो डिसैचुरेशन का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट बना देना। ऐश्वर्या, आप जब अभी इंस्टाग्राम पर फोटो कोई पकड़ो, अपनी फोटो सेल्फी क्लिक करो, गो टू द एडिट, एक सेचुरेशन का पॉइंट आएगा, उसको डी कर दो, डिसेचुरेट कर दो, इट विल बिकम ब्लैक एंड व्हाइट। तो डिसेचुरेशन मतलब नो कलर, ठीक है? सेचुरेशन मीन्स कलर्स, डिसेचुरेशन नो कलर्स। नहीं कोई बात नहीं है ऋषिकेश, हम लोग पूरा वो बताएंगे इसमें, ऐसा नहीं है। अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मेरा बैच चलते हैं। आप सोच कर देखो कि आई चार्ज 15,000 18,000 रुपीज़ फॉर फ्रॉम अ सिंगल स्टूडेंट्स। तो आप सोच कर देखो, मैं तीन बच्चे मिल जाते हैं तो मेरे 50,000 रुपीज़ हो गए। गेस्टल्ट प्रिंसिपल्स का वही होता है, थ्योरी ऑफ डिजाइन से रिलेटेड आते हैं, लाइक यूनिटी, हार्मनी, कंपोजिशन, थ्योरी ऑफ डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है? लेकिन आप बताना उस चीज के लिए ना, हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दी थिंग। मोनोक्रोमेटिक कह सकते हैं, यस, ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर है ये। यहाँ पर कपड़े नहीं है मेरे पास, मैं घर पर चला गया था तो मैंने देखा कि कुछ रखी हुई थी। तो यस मलिका, वी विल डेफिनेटली, चलो ठीक है। यस ऑफ कोर्स, टुडे क्लास होगी तो आपको इट्स पॉसिबल टू डोनेट द मनी टू चिल्ड्रंस हु लॉस देयर पेरेंट्स टू कोविड। हाँ हम लोग करेंगे बिल्कुल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब मैं इसलिए आपका सेशन लेना चाहता हूँ, बिकॉज देखो 40,000 रुपीज़ इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, लेकिन वही चीज़ होती है कि कुछ तो हम कर सकते हैं अगर हमसे मौका मिला हुआ है, वी हैव द ऑप्शंस। तो मे बी वी नॉट हैव अ वेरी इंपैक्टफुल, लाइक वेरी बिग इंपैक्ट ऑन समवन लाइफ, बट जितना भी कर सकते हैं ना, वॉट मैटर्स योर इंटेंशन। सो जिन लोगों के पेरेंट्स हो गए, आई ऑल्सो मैं बताऊँ पर्सनली आपसे बताऊँ, मैं मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में है कि जिन बच्चों की पढ़ाई खराब हुई है इस इन द कोविड टाइम पीरियड, खासकर द पीपल द चिल्ड्रंस आर दे लिविंग इन रूरल एरियाज, प्राइमरी एजुकेशन। सो मैं सोच रहा था कि वी कैन हैव सम 200-300 रुपीज़ एक पैकेज बनाया जाए जिसके अंदर बुक्स, पेन, पेंसिल्स हो, एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर पीपल, लाइक विलेज में जाकर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। 11:50 पर, 12 बजे क्लास होगी, 11:50 पर आपको आइडिया मिल जाएगा। तो शायद आप भी सोचो, आपके पास टाइम है, आप मुझे बता सकते हो कि कैसे हम कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, इट विल टेक अराउंड 7 डेज, क्योंकि मैं 3 दिन के तो मैं क्लास लूंगा ही नहीं, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, मुझे बस बाहर निकलना है, तुम लोगों से दूर जाना है। तो 3-4 दिन के विद इन 7 डेज आई विल बताऊंगा मैं, आप भी बताना, सोचना कि क्या कर सकते हैं जो थोड़ा सा अच्छा रहे ना कि करने के लिए। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू एट 12, जिसके अंदर नॉर्मल डिस्कस करेंगे, ऐसे ही अपनी पर्सनल बातें करेंगे। आई विल डिस्कस अबाउट माई पोर्टफोलियो, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके बारे में, कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉलेज रिलेटेड, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। भाग्यश्री, थैंक यू सर। नया बैच? नो, वी आर नॉट प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।